तो मुझे लगता है मैंने भगवत गीता से जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे जानने सुनने समझने मिली वो है सरेंडर भागवत भगवान के प्रभाव की नहीं भगवान के स्वभाव की कथा अगर आप किसी को प्यार का दावा करते हो तो उस पर अपने विचारों को प्रेशराइज़ मत करिए स्पिरिचुअलिटी का कोई सही रास्ता है रामायण है वेद है शास्त्र है ये बताएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है और जो तीसरी आँख है उसका क्या सिग्निफिकेंस है भगवान शंकर की जो तीसरी जो आँख है वो विश्वास का प्रतीक होती है देखिए साइंस और स्पिरिचुअलिटी जो है ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू आपके हिसाब से कल क्या है Did you know Lord Shiva waged a war against Lord Krishna for his bhakt? Hi, I'm Karishma Mehta and welcome to Realign the podcast, where we simplify the concepts of science, spirituality, and well being to help you navigate the complexities of modern life. Starting her spiritual journey at just the age of four, Devi ji is a spiritual teacher, philosopher, and an ardent follower of Sri Krishna's teachings. Today, she's joined us to delve into the sacred teachings of the Gita.

हम यहाँ कुछ अपनी थॉट्स कुछ विचार रखेंगे और लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे यही हमारे हमारा भी यही मकसद है इस पॉडकास्ट से जी आपकी जो जर्नी है आप बहुत ही यंग थे जब आपकी ये स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई जी यू वो फोर एंड देन छः साल में आपने प्रवचन भी चालू किया आपको क्या लगता है कि ये आपके साथ ही कैसे हुआ या कुछ अलग था कि वॉट वर द फैक्टर्स आई थिंक प्री डिसाइडेड था uh, पहले से ही क्योंकि हाँ आप एक ऐज पर जा करके अगर आप चूज़ hmm. करते हैं देन यू कैन से कि हाँ मैंने इसको बहुत मेहनत की प्लान किया और फिर मैंने इस तरफ कदम रखा बट जब आप उस एज से शुरू कर देते हैं व्हेन आपको पता भी नहीं होता कि है क्या स्पिरिचुअल Spiritual, स्पिरिचुअलिटी क्या spirituality, है स्पिरिचुअलिटी आपकी जो जर्नी है आपकी लाइफ शुरू हो ही रही है और उस समय अगर आप इससे जुड़ जाते हो तो मुझे लगता है कि ये कृष्ण की मर्जी से ही होता है अदरवाइज़ ये होना पॉसिबल नहीं है बट मेरे साथ एक बहुत ही अच्छी चीज़ ये रही कि मेरा जन्म हुआ है कृष्ण की भूमि पर hmm. वृंदावन सो so, वहाँ एक ऑटोमेटिकली uh, वहाँ की जो वाइब्रेशन है वहाँ का जो वातावरण है उसमें डिवोशन है भक्ति है प्रेम है सो so, मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़े एंड hmm. uh, मुझे लगता है कि ये अध्यात्म का जो रास्ता है इसने मुझे चुना और मैं इस रास्ते को शुरुआत मैंने की <laughs> आपको याद है उस वक्त जब आपने अपनी जर्नी शुरू की थी तब आपको क्या लगा था आपने क्या सीखा uh, देखो uh, मैं झूठ नहीं बोलूँगी जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे पास बहुत uh, समझदारी नहीं थी मतलब आई वॉज जस्ट सेवन या सात साल के बच्चा क्या ही सोच सकता hmm, है बट hmm. एक चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं एक फीलिंग मन में होती थी कि ये चीज़ मेरे लिए नई नहीं, नहीं है मतलब जैसे कि मैं इस चीज़ को बहुत दिनों से जानती हूँ या मुझे पता है कि कृष्ण की भक्ति क्या है बोलना प्रवचन क्या है तो, तो उस फीलिंग से मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो प्रीवियस जो लाइफ है उससे ये कनेक्टेड होगा बिकॉज जर्नी की स्टार्टिंग में ही अगर आप उस चीज़ को फील कर पा रहे मुझे पता भी नहीं था भक्ति क्या डिवोशन क्या बट जब मैं कृष्ण भजन गाती थी तो आंखों में आंसू आ जाते थे तो मतलब बिना जाने बिना पता हुए तो वो फीलिंग जो है डिवोशन की भक्ति की वो एक अलग ही फील है और वो मुझे स्टार्टिंग से ही कहीं ना कहीं लगा कि शायद मेरे अंदर है एक बहुत ही कॉमन सा सवाल है कि आपको कब ऐसा पता लगेगा कि आप एक स्पिरिचुअल पाथ या स्पिरिचुअल जर्नी के दौर पे से आप जाएंगे um, कोई ऐसे साइंस है जो लोग सोच सकते हैं कि शायद मुझे इस साइड को एक्सप्लोर करना चाहिए क्योंकि अब हम इतने फास्ट पेस्ड दुनिया में हैं लोगों के पास टाइम नहीं रहता um, तो क्या ऐसे कोई साइंस है देखिए पहली चीज़ तो जो आ, हमेशा लोग ये बोलते हैं जैसे आपने कहा कि टाइम नहीं है किसके लिए टाइम नहीं है ये लाइफ की एक साइड है जो अध्यात्म है स्पिरिचुअलिटी इसके लिए टाइम नहीं है बट ये लोगों का एक बहुत बड़ा मिथ है कंफ्यूज्ड uh, है लोग उनको पता नहीं है कि वो उनके पास टाइम तो है क्योंकि इस दुनिया में जिसने भी जन्म लिया है उसके पास ट्वेंटी फोर आवर्स ही है किसी के पास एक्स्ट्रा नहीं उए, है सबके पास सेम होता है सेम होता है बट अब आप किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हो वो आप पे डिपेंड करता है अगर मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि नहीं मेरी जो uh, बाहर की हमारी दो बॉडीज़ है एक है एक्सटर्नल एक है इंटरनल एक्सटर्नल के लिए हम हमेशा ध्यान रखते हैं मैं क्या पहनूं जो सुंदर दिखूं hmm. मैं कौन सी लग्जरी आइटम पहनूं जो लोग मेरा रिस्पेक्ट करें पूछे कि कहाँ से खरीदा तो यानी एक्सटर्नल बॉडी के लिए हम डेली नहाते हैं स्नान करते हैं शावर लेते हैं बट एक इंटरनल जो बॉडी है मतलब जिसको आत्मा कहते हैं सोल कहते हैं उसकी एक अपनी डाइट है Correct. जैसे बॉडी की डाइट है वैसे सोल की डाइट है और वो डाइट है अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी जब आप उसको समझ जाते हो जब आप उसकी वैल्यू को समझ जाते हो देन आपको कहना भी नहीं पड़ेगा कि भाई फोर्सफुली आपको लाइफ से टाइम निकालना पड़ेगा करेक्ट आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि नहीं क्योंकि अब आप उसकी वैल्यू को जानते हैं जैसे मैं अगर एक एग्जांपल दूं तो पाँच सौ का जो नोट होता है वो है तो एक पेपर ही इट्स जस्ट एन पेपर की लेकिन जब धीरे धीरे आप उसकी वैल्यू रियलाइज करते हैं तो आप उसको कितना संभाल के रखते हो पॉकेट में रखोगे वॉलेट में रखोगे तो ये जो रियलाइजेशन है यही आपको अध्यात्म से जोड़ता है मेरा मानना है कि जब आप कॉन्शियस हो जाते हैं अपनी लाइफ को कॉन्शियसली जीने लगते हैं इट मीन्स कि अब आप अध्यात्म की ओर जा रहे हैं सिम्टम्स बहुत सारे हो सकते हैं लाइक like, मैं कैसे पता लगाऊं कि मेरे लाइफ में चीज़ें चेंज हो रही है अध्यात्म आ रहा है तो उसके बहुत सारे सिमटम्स हैं जैसे फर्स्ट थिंग uh, मेरी नज़र से कि आपका जेलसी फैक्टर कम हो जाएगा आप जिन चीज़ों को लेके पहले बहुत जल्दी कंपेटिव uh, एक कंपटीशन होता ही है हर फील्ड में जेलिसी होती है तो वो कम हो जाएगी आपका एक हर एक की जो हार्ट होता है दिल होता है उसमें सारे इमोशंस हैं hmm. अच्छे भी हैं बुरे भी हैं देन जब उन इमोशंस में जब थोड़ा सा बैलेंस अच्छे इमोशंस का बढ़ जाता है लाइक like काइंडनेस वो आपकी थोड़ी सी बैलेंस बढ़ा इट मीन्स आप स्पिरिचुअल धीरे धीरे जर्नी पर अब शुरू हो गए और hmm. आप उस तरफ जा रहे हो hmm. तो आपका हृदय प्योर आपका जो हार्ट है वो बहुत प्योर फील करने लगेगा इवन आप जब रात को होगे क्योंकि इस दुनिया में आदमी सबको धोखा दे सकता है बट अपने आप को नहीं दे सकता उसे पता है कि वो क्या है वो देवता है कि वो दानव है उसका दिल जानता है या उसका परमात्मा जानता है दो दो ही लोग हैं तो जब वो रात को अकेले में रहेगा और अपने आप से क्वेश्चन करेगा कि तू कैसा है तो आंसर आएगा कि हाँ मैं एक अच्छा इंसान भले ना हूँ बट आई एम ट्राइंग करेक्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ एक अच्छा मानव बनने का और अगर अच्छा इंसान बनने की आप कोशिश कर करें इट मीन्स आप इस जर्नी पर आपकी जो यात्रा है वो शुरू हो गई hmm. है क्योंकि लोग ऐसे हैं कि खाना hmm. खाने के लिए भूल नहीं जाते लेकिन स्परिचुअलिटी hmm. के लिए टाइम नहीं रहता जी um, आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ़ परसेप्शन कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है, है हमारे लाइफ में परसेप्शन की बात करें तो ढेर सारे ओपिनियन भी रहते हैं लोगों के कि ये सही तरीका है ये गलत तरीका है ये मैं अपनाऊँगा नहीं अपनाऊँगा स्पिरिचुअलिटी का कोई सही रास्ता है या बहुत सारे रास्ते हैं जो अलग है लेकिन सभी सही है रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं बट मंजिल एक है आ, इस दुनिया में बहुत सारे लोगों के बहुत अलग अलग तरीके हैं भगवान को मानने के अध्यात्म को मानने के किसी को कोई रास्ता ज़्यादा अच्छा लगता है किसी को कोई बट मंजिल सबकी एक ही है कि हमको भगवान तक जाना है हमें अच्छे कर्म करने हैं सही और गलत ये डिसाइड करने वाले हम इंसान नहीं होते हैं मतलब हम अपना ओपिनियन दे सकते हैं बट क्या होता है ना आजकल सोशल मीडिया का टाइम चल रहा है तो यहाँ पर लोग प्लेटफॉर्म पर आते हैं और जो मन में आता है वो अपनी ओपिनियन रख देते हैं और उनको पूरा हक है बट अगर आप ऑथेंटिक चीज़ चाहती हो मान लो मैंने इस पॉडकास्ट में कुछ बोल दिया ऐसी चीज़ बोली जो शायद लोगों को ना पता हो और आपने बस उस पर आग पे पट्टी बांधी और मान लिया तो आप कहीं भी गलत हो सकते हो आप जो भी सुनते हो उसको फिर आपको टैली करना है कहाँ टैली करना है हमारे पास बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं और वो इसीलिए है कि लोग ये समझ पाए कि क्या गलत है और क्या सही है मैं बोलूँ शायद गलत हो सकता है आप बोलें शायद सही हो सकता है बट इन दोनों के बीच में एक जो जिसको परम सत्ता कहते हैं यानी जिसको परमात्मा कहते हैं भगवान कहते हैं उन्होंने आज से हज़ारों साल पहले हमें बहुत सारी चीज़ें दी है जैसे भगवद गीता दी है भागवतम दी है रामायण है वेद है शास्त्र है ये बताएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है अब इसमें दो चीजें या तो आप किसी एक प्रॉपर ऑथेंटिक जो इसको जानते हो उनसे सुन सकते हो अगर आपको ऐसा कोई नहीं मिल रहा है देन आप उसको पढ़िए बहुत ज़रूरी है कि आपको पढ़ना पड़ेगा मुझे ऐसा लगता है मेरी ओपिनियन में कि आज के टाइम में अगर लोगों के मन में धर्म के लिए रॉन्ग परसेप्शन है तो वो इसीलिए है क्योंकि उन्होंने अपने शास्त्रों को पढ़ना छोड़ दिया है गीता पे बात बहुत लोग करते हैं बड़ी बड़ी मोटिवेशनल सेशंस होते हैं लेकिन उन्हीं लोगों ने भी कभी गीता को खोल के नहीं पढ़ा उनको नहीं पता कि भगवद गीता का श्लोक क्या कह रहा है जैसे आजकल एक ट्रेंड बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर चलता है श्री कृष्ण कहते हैं नहीं ये बहुत ज्यादा गलत है क्योंकि आज की जो यूथ है यंग जनरेशन वो कैसे उसको क्या पता कि कृष्ण सच मुझे गाय नहीं गाय या किसी और के दिमाग से आया है किसी और के दिमाग से आया और आपने टैग दे दिया कि कृष्ण तो वो कृष्ण जो कहेंगे वो भगवत गीता में कहेंगे तो वहाँ से लीजिए उसको देखिए रिसर्च करिए वो हर चीज़ पर रिसर्च करता आज का जो बच्चा है आज की जो जनरेशन है इवन वो एक बिस्किट भी खाएगी तो उसके सारे इन्ग्रीडियंट्स पढ़ेगी ग्लूटन कितना है फैट कितना है मतलब आप एक बिस्किट के लिए अगर इतना रिसर्च कर सकते हैं तो अपनी लाइफ के लिए तो करना ही चाहिए कि आप कहाँ गलत हैं आपको कौन से मोड पर कौन सा डिसीजन आपका गलत हो सकता है कौन सा सही हो सकता है और उसके लिए इजी वे है कि आप भगवत गीता पढ़ें या श्रीमद् भागवत पढ़ें और उससे थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करें इस पे मेरे दो प्रश्न हैं पहला कि जब हम कहते हैं कि गीता पढ़े तो बहुत ही लोग सोचते हैं कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि श्लोक संस्कृत में लिखे हैं जी ऑफ़कोर्स um, ट्रांसलेशंस है क्योंकि मैं भी पढ़ रही हूँ hmm. um, लेकिन वो एक चीज़ है और um, दूसरी जो बात है कि जब आपने कहा कि आप एक ऐसा इंसान चुनिए जिनको ऑथेंटिक नॉलेज है गीता hmm. के बारे में वो लोग कैसे आइडेंटिफाई करें कि अच्छा इनको एक्चुअली सही नॉलेज है या नहीं है और अगर खुद पढ़ना चाहे तो सिंपल करके हम कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं uh, देखिए भगवत गीता बहुत ज़्यादा टफ नहीं है क्योंकि अगर आप कंपेयर करेंगे वेद शास्त्रों से तो वो तो फिर तो हमारे दिमाग से ही ऊपर जाने वाला है hmm. बट फिर भी हो सकता है इनिशियल स्टेज पर किसी को थोड़ा सा हार्ड लगे टफ लगे तो उसके कुछ जो इजी ट्रांसलेशंस हैं उनको आप पढ़ सकते हैं प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी है श्री रामसुखदास जी बहुत अच्छे हमारे संत हुए हैं उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया बहुत इजी वे में उनको पढ़ सकते हैं कोई सोर्स से अगर आप यानी एक मेंटोर से अगर आप इसको सीखना चाहते हो उसको उसके लक्षण की क्या हो सकता है तो देखो ये तो जैसे हम किसी टीचर के पास जाते हैं देन ही हम डिसाइड कर पाते कि इनको कितना नॉलेज है।, है।, और कैसे नॉलेज कि जब आप उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताओगे और उस प्रॉब्लम का वो सही सल्यूशन आपको दे देंगे तो आप कहोगे कि हाँ टीचर बहुत अच्छा है इसके पास सारे सोल्यूशन होते हैं तो जब भी आप कोई अपना मेंटोर खोजते हैं या अध्यात्म भाषा में जिसको गुरु कहते हैं तो वहां फर्स्ट स्टेज पर आपको जाकर के उनसे कुछ क्वेश्चन रखने चाहिए इवन शास्त्रों में ही लिखा है कि गुरु बनाने से पहले आपको गुरु की परीक्षा लेनी चाहिए टेस्ट लेना चाहिए बट गुरु बनाने से पहले हुँ. जब आपने डिसाइड कर लिया कि अब ये मेरे गुरु है ये मेरे मेंटोर है देन आपका कोई हक नहीं है कि आप गुरु का टेस्ट लो तब वो आपका लेगा hmm. तो उससे पहले वहाँ जा करके कुछ अपने क्वेश्चंस रखिए और अगर आपको उन क्वेश्चंस का सेटिस्फाइड uh, आंसर मिल जाता है और आपको पता लग जाता है कि हाँ मेरे सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ये देते हैं इनके पास आंसर्स हैं और वो भी ऑथेंटिकली होना चाहिए क्या होता है ना आजकल प्रॉब्लम यह है कि लोग संतों गुरु या आध्यात्मिक जो मेंटोर होते हैं उनके पास भी कोई अध्यात्म का क्वेश्चन नहीं लेके जाते hmm. वो जाके पूछेंगे मेरे घुटनों में दर्द रहता है क्या करूँ उसके लिए डॉक्टर्स हैं ना मेरे पास ये परेशानी है ये प्रॉब्लम है तो उसके लिए आ, आ, बहुत सारे ऑप्शंस है आप किसी अगर आध्यात्मिक मेंटोर के पास जा रहे इट मीन्स आपका क्वेश्चन भी आध्यात्मिक होना चाहिए मतलब मेरा कल्याण कैसे हो मुझे भगवान कैसे मिले तो ये जब क्वेश्चन आप करोगे और जब वो बता जब वो नॉलेजेबल होगा तो देन ऑटोमेटिकली वो एक आंसर ऐसा देगा जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा तब हुँ. आप समझ सकते हैं कि इनसे मैं शास्त्रों की स्क्रिप, स्क्रिप्चर्स की नॉलेज ले सकता हूँ <laughs> आपको ऐसे गुरु मिले हाँ जी मुझे ऐसे गुरु मिले और मेरे गुरु मतलब ऐसे थे मैंने कहा ना मैं बहुत 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 लकी हूँ कि मुझे हर चीज़ मैंने कुछ नहीं चुना सब चीज़ों ने मुझे चुना तो गुरु मुझे मिल गए व्हेन आई वाज ओनली फोर इयर्स ओल्ड तो चार साल की उम्र में गुरु ने कहा कि मुझे इसको शिष्य बनाना है क्योंकि वो मेरे फैमिली परिवारिक गुरु थे तो और वो चैतन्य महाप्रभु की फ़िलोसफी को संप्रदाय को गौड़िया को फॉलो करते थे और बहुत उन्होंने जन्म से ही बहुत सपोर्ट किया आध्यात्मिक रूप पर बहुत स्ट्रेंथ दी समझाया और बहुत ज़्यादा विरक्त थे मतलब कभी उन्होंने लाइफ में पैसे को टच नहीं किया और हमेशा देने की भावना उनकी रही और उन्होंने मुझे यही सिखाया मुझे लगता है कि जो भी मेरे माइंड में आज है बहुत सारे लोग कहते हैं कि आजकल जो स्पिरिचुअल लोग हैं वो थोड़ा सा कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लाते हैं कि हमारे पास आओ दुख दूर कर देंगे ये धागा बांध लो ये कर लो लेकिन मेरे गुरु ने सिखाया कि कभी किसी को गुमराह नहीं करना चीज़ सही बतानी है ना लोग आए सुनने कोई बात नहीं भीड़ ना आए कोई बात नहीं बट तुमको जो शास्त्र कहते हैं उससे नहीं हटना तुमको बस ये बताना है भगवान का नाम जपो इससे आपको संतुष्टि मिलेगी और दूसरा कोई रास्ता नहीं है तो मैं मतलब बहुत कृपा है भगवान की मुझे ऐसे गुरु मिले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप आपने अपने गुरु से क्या सीखे Uh, सबसे इम्पोर्टेंट बहुत मुश्किल है कहना क्योंकि सारी चीज़ उनसे सीखी है बट फिर भी उनका जो एक बहुत ज़्यादा जो इंटरेस्ट रहता था झुकाव रहता था वो चेंटिंग में रहता था नाम जाप और वो हमेशा कहते थे कृष्ण जाना जगत जाना कृष्ण नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना तो वो बात मेरी बुद्धि में मतलब क्लियरली लिखी लिक्षी हुई, लिक्षी हुई है कि सारी दुनिया भी मिल जाए तो ज़ीरो है बट जब तक भगवान नहीं होंगे साथ तब तक कोई भी उसकी संसार की दुनिया की वैल्यू नहीं है तो उन्होंने यही सिखाया कि नाम जाप खुद करो और दूसरों को भी बताओ दूसरों को तभी बता पाओगे जब आप खुद करोगे उसकी प्रैक्टिस हाँ। एक होता है जस्ट बोल देना एक होता है उसको खुद इंप्लीमेंट करके बताओगे तो तुम बहुत गर्व से कह सकते हो मैंने किया है मुझे फायदा हुआ आप भी करके देखो तो मेरे गुरु की सबसे बड़ी जो शिक्षा थी वो था नाम जाप की चैन माला करो कुछ भी नहीं कर सकते पूजा नहीं कर सकते मंदिर नहीं जा सकते वो तो ये भी कहते थे कि आश्रम बनाओगी तो वो भी माया है तुम उसमें भी फंस जाओगी तो तुमको लोगों को शुद्ध हरिनाम से जोड़ना है क्योंकि वही महाप्रभु की फिलोसफी है तो जब हम स्क्रिप्चर्स के बारे में बात करते हैं हम गीता के बारे में बात करते हैं ऑब्वियसली कृष्ण भगवान जो है एक प्रॉमिनेंट फिगर रहे हैं और उनके जो टीचिंग्स है कृष्णा कॉन्शियसनेस इसकॉन जो हम अभी बहुत सारा देखते हैं इंस्टाग्राम पे जैसे आप कह रहे थे कि कृष्णा ने कहा है तो मैं इस बात पे चर्चा करना चाहती हूँ कि जो आपने सीखा आपके जर्नी में गीता से कृष्ण भगवान से वो अगर आप समराइज़ कर सकते हैं और फिर हम उस पर और क्वेश्चंस पूछेंगे देखिए भगवत गीता की टीचिंग्स तो बहुत सारी हैं hmm. हर एक लाइफ की अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग टीचिंग्स है बट ओवरऑल अगर मैं पर्सनली बात करूं hmm. तो मुझे लगता है मैंने भगवत गीता से जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे जानने सुनने समझने मिली वो है सरेंडर hmm. समर्पण यस yes. आप जब तक समर्पित होना नहीं सीखते हो तब तक आप निडर नहीं बनते हो मतलब आज के टाइम में हर एक आदमी के मन में थोड़ा थोड़ा डर रहता है पता नहीं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा इस रास्ते में मैं गिर तो नहीं जाऊंगा इस रिश्ते में कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी तो ये सारे जो डर हैं ये इसीलिए हैं क्योंकि अभी हमारे मन में भगवान के लिए समर्पण भावना नहीं है अभी हमने उनके हाथों में अपनी लाइफ की पूरी जो सर्कल है जो जर्नी है उसको सौंपा नहीं है और जब आप वो सौंप देते हैं तब फिर आप निडर बन जाते हो भगवत गीता की शुरुआत स्टार्टिंग ही यहीं से हुई थी कि अर्जुन कन्फ्यूज़ था या कि इतना ज्यादा कंफ्यूज था कि सामने युद्ध मतलब स्टार्ट होने वाला वो कह रहा मैं जा रहा हूँ मुझसे नहीं हैंडल हो मेरा पूरा परिवार है यहाँ पे हाँ, मेरी फैमिली है मेरा परिवार, परिवार अगेंस्ट में खड़ा है सो so, रथ घुमाओ यू टह लो और वापस चलो घर पे तब श्री कृष्ण ने अपनी वाणी से जो अर्जुन को बताया गीता में बहुत सारे श्लोक हैं सात सौ श्लोक है बट uh, मेरा one of the, जो मोस्ट फेवरेट है वो है सर्वधर्मान परि तज मामी तो इसका मतलब ही ये कृष्ण कह रहे हैं कि पिचारा अर्जुन घबराया बैठा है एकदम डर रहा है कृष्ण कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य तू सब धर्मों को छोड़ दे त्याग दे डर को हटा दे और आ मेरी शरण में मैं तेरे सर्व पापे हो मतलब तेरे पाप इस जन्म के पिछले जन्म के आगे के सब खत्म कर दूंगा और भरोसा दिला रहे डर मत मैं तेरे साथ हूँ तो ये जो विश्वास जिस दिन हमारे मन में आ गया समर्पण भाव का तो समझो गीता आ गई यहां पर गीता के सात सौ श्लोक याद भी कर लिए तो भी फायदा नहीं है अगर ये वाला जो इमोशन है ये नहीं आया तो सरेंडर वाला समर्पित भाव आना चाहिए यही गीता है और उससे क्या होगा आप बहुत इजी फील करने लग जाते जो सरेंडर वाला जो फील है ना जैसे आप कोई पुराने जमाने में मेले लगते थे तो उसमें बच्चा अपने फादर के साथ जाता था आ, मेले में तो फादर क्या बोलता था कि तू मेरा हाथ मत पकड़ क्योंकि तू कभी भी छोड़ सकता है भीड़ है धक्का मुक्की में हाथ छोड़ देगा मैं तेरा हाथ पकडूंगा सो so, मेरा जो पकड़ना है वो बहुत टाइट में तेरा हाथ पकडूंगा और कितनी भी, भी भीड़ आ जाए मैं नहीं छोड़ूंगा तो ये जो पिता पुत्र वाला जो फील है ना ये भगवान कृष्ण का और हमारा है कि भगवान कह रहे मैंने तेरा हाथ पकड़ा भरी भीड़ में तू कहीं भी भाग पर मैं तेरे साथ मैं तेरा संग नहीं छोड़ूंगा तो ये आने से क्या होगा अब बच्चा निडर हो गया अब उसे पता है कि सर पर कोई है वो संभाल लेगा तो लाइफ की हर सिचुएशंस में हर आदमी परेशान रहता है तो भगवत गीता का ये लेसन मुझे लगता है आपको बहुत काम बनाएगा और बहुत फियरलेस आप महसूस करने लग जाओगे और यही सबसे डिफिकल्ट चीज़ लोगों के लिए है क्योंकि हाँ जो सरेंडर है वो समझते हैं और आ, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि चलो मैंने सरेंडर कर लिया लेकिन तुरंत वो सोल्यूशन नहीं आता जो हुँ. आप ढूंढ रहे हो या आ, आप कोई रिलीफ ढूंढ रहे हो तुरंत नहीं आता टाइमिंग जो है वो हमारा डोमेन है ही नहीं वो जब होगा सही टाइम पे होगा इस वजह से लोगों को सरेंडर करना डिफ़िकल्ट लगता है जी तो लोग क्या कर सकते हैं अगर उन्हें कॉन्सेप्ट से निकल कर एक्चुअली ये अप्लाई करना है खुद के लाइफ में मैं एक लाइन हमेशा कहती हूँ कि भगवान के लिए भगवान जो है वो सब जानते हैं और इसका मतलब है कि खबर है उसको सबके मन की तुम बस सब्र रखना मतलब वो हर चीज़ जानता है कि तुमको कहाँ किस चीज़ की कब ज़रूरत पड़ जाएगी अगर ये सरेंडर भाव बढ़ाना है तो उसके लिए आपको कृष्ण को डीपली जानना पड़ेगा उनका स्वभाव जानना पड़ेगा आज के टाइम में क्या है लोग भगवान से उनका प्रभाव देख के प्यार करते ना कि उनका स्वभाव देख करके यानी सिर्फ उनको देख के उनकी ऊपर ऊपर की जो आ, लाइफ स्टोरीज है उनको देख के इन्फ्लुएंस हो जाते कि अच्छा ठीक है कृष्ण ये क्या कृष्ण ने वो किया मैं भागवत में भी बोलती हूँ कि भागवत भगवान के प्रभाव की नहीं भगवान के स्वभाव की कथा है कैसे हैं कृष्ण वो बताएंगे कि जहाँ द्रौपदी का सब कुछ जाने वाला था कुछ नहीं बचा था उसके पास सबने उसका साथ छोड़ दिया था तब उसने दोनों हाथ उठा के कहा कि गोविंद द्वारिका वासन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवयी परिभूता नाम किम न जाना सी केशवम हे केशव मैं डूब रही हूँ मैं अब जाने मतलब मेरा इज्जत मेरा नाम सब कुछ मिटने वाला है और अब तू ही बचा सकता है तो फिर कृष्ण ने क्या किया सारी दुनिया जानती है वसन रूप भय श्याम मतलब कपड़ा बन गए वस्त्र बन गए साड़ी बन गए और साड़ी बनकर के द्रौपदी की लाज बचाई अब ये क्या है ये भगवान का स्वभाव है तो अब मुझे पता है कि जब वो द्रौपदी के लिए उस टाइम पर आकर के सारे साइंस के कैलकुलेशन को जीरो कर सकता है क्योंकि साइंस नहीं मानेगी कि एक साड़ी का एंड नहीं मिला वो तो प्रूफ से कहेगी अरे हो ही नहीं सकता लॉजिक नहीं है लॉजिक नहीं है बट अब मुझे पता है कि नहीं हिस्ट्री में ऐसा हुआ था कि कृष्ण ने लास्ट मोमेंट पर जाकर के द्रौपदी को बचा लिया था तो इट मीन्स ये पॉसिबल है कि वो मुझे भी बचा लेगा तो अगर ये भाव आपको जगाने सत्संग हम क्यों सुनाते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं ये आप इतना लंबा छोड़ा ताम झाम ये भागवत ये सब क्यों है ये इसीलिए है कि लोग उनको समझ पाए उनको जाने रामचरित मानस में लिखा है जाने बिन ना होए परतीति बिन परतीति ना हो प्रीति किसी से भी आपको प्यार करना है प्रेम करना है तो पहले उसको जानना पड़ेगा उसको जानो उसके बिहेवियर को जानो क्या करता है वो जानो तो सरेंडर भाव अगर इमोशन आप लाना चाहते हो तो कृष्ण को जानो उनको जानती आपको उनसे इतना प्यार हो जाएगा कि आप कोई चॉइस बचेगी नहीं आपको पता है कि वो मेरे लिए सब कुछ है वो त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्चे सखा त्वमेव तो उसके लिए सत्संग की हेल्प लेना थोड़ा जरूरी है जब आप सत्संग सुनते रहते हैं तो आपके माइंड पर ये बात आ जाती है कि भरोसे लायक किस दुनिया में भगवान है और कोई नहीं है क्योंकि भरोसा यहाँ दुनिया में हर पल टूट जाता है जिस पे भी करोगे एक ना एक दिन भरोसा टूटेगा बट वही भरोसा भगवान पर होगा तो भगवान एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे पर आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं देंगे जब हम प्यार के बारे में बात करते हैं तो राधा कृष्ण के बारे में बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स आते हैं बहुत सारी कहानियाँ आती हैं आपके लिए वो क्या रिप्रेजेंट करता है वो रिलेशनशिप जो है क्योंकि अभी आपने बात की कि लोग भरोसा तोड़ देते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में जब हम मॉडर्न डे में लव रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं तो हम क्या सीख सकते हैं उनसे देखिए उन जैसा तो कोई बन नहीं सकता ये बहुत सिंपल uh, सी बात है क्योंकि वो भगवान है हम इंसान हैं वो परम शक्ति है वो एक बहुत बड़ी पावर है जो इस दुनिया में आई थी प्रेम को समझाने के लिए और वो आज भी है मतलब ऐसा नहीं कृष्ण आज नहीं है राधा आज नहीं है ये बहुत ही ज़्यादा डीप चीज़ है डीप कॉन्वर्जेसन है क्योंकि वो कोई ह्यूमन बॉडी नहीं थे वो कोई पंच तत्व से बना शरीर नहीं था ये कह सकते हो आप कि कृष्ण और राधा एक प्रेम ने एक शेप लिया उसको कृष्ण और राधा बोला गया क्योंकि प्रेम की कोई फॉर्म नहीं होती तो फिर हम कैसे पता बोले तो कहा कि द्वापर में कृष्ण और राधा प्रेम का एक पूरा फॉर्म लेकर के बन करके आए और वो प्रेम संसार वाले लेवल का जो प्रेम है उससे बिल्कुल अलग है क्योंकि वहाँ जो प्रेम होता है वो तत्सुखे सुखित्वम मतलब कृष्ण हमेशा ये कोशिश करते कि राधा रानी को कैसे सुख दे और राधा रानी हमेशा ये प्रयास कोशिश करती है कि कृष्ण को कैसे सुखी रखो मतलब अगर कोई ये कह सकता है निस्वार्थ प्रेम तो वो कृष्ण और श्री राधा रानी का है और वो इसीलिए भी है क्योंकि वहां पर कृष्ण और श्री राधा रानी के बीच में कोई शरीर का अट्रैक्शन नहीं था अटैचमेंट और प्रेम में फर्क होता है प्रेम और मोह में जैसे फर्क होता है ना अटैचमेंट ये होती है कि मेरी खुशी के लिए मैं तुमको दूर नहीं जाने दूंगा प्रेम ये होता है कि तुम्हारी खुशी के लिए तुमको दूर जाना है तो आई एम मोर देन हैप्पी तुम दूर रहो बट तुम खुश रहो ये प्रेम है मतलब अटैचमेंट बंधन में बांधना चाहता है आपको आ, बांधता है कि नहीं मेरे साथ रहो जो मैं कहता हूँ वो करो बट प्रेम आपको आज़ाद छोड़ता है स्वतंत्रता देता है और राधा कृष्ण का प्रेम वही था सारी दुनिया जानती है कि एक समय आया था जब कृष्ण राधा रानी को छोड़ करके जा रहे थे और कृष्ण राधा रानी के पास आए जाते समय और उन्होंने अपना मुकुट जो उस सर पे धारण करते थे उसको उठा उठा के राधा रानी के चरणों में रखा बोले नहीं कुछ भी क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं थी ये कहने की कि मैं जा रहा हूँ बस उन्होंने उसको चरणों में रखा और रोने लगे तो राधा रानी ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं जानती वो थी बट फिर भी उनका मन था कि ये एक बार अपने मन से कहे तो कृष्ण ने कहा कि रोते रोते कि हे राधा मैं तेरा अपराधी हूँ मतलब मैं तेरा गुनहगार हूँ क्योंकि मैं जा रहा हूँ तो श्री राधा रानी ने मुस्कुरा के कहा कि जा रहे हो कोई बात नहीं तो कृष्ण ने अपनी बंसी क्यों वो सबसे ज़्यादा बाँसुरी से प्रेम करती तो उन्होंने उठा के राधा रानी को दी बोले ये किस लिए बोले हमारे सिंबल है हमारे प्रेम का इसको तुम अपने पास रखो राधा रानी पूछा क्या करूँ बोले जब तुमको मेरी याद आए तो इसको बजा देना मैं आ जाऊंगा तो राधा रानी ने हंस के कहा तो, तो फिर ये बाँसुरी कभी नहीं बजेगी तो कृष्ण ने पूछा क्यों तो राधा रानी ने कहा कि तुमने कहा कि जब याद आ जाए तब बजा देना याद उसको किया जाता है जिसको कभी भूले हो मैं आपको एक क्षण एक पल भी नहीं भूल सकती तो याद आने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता आप हर पल हर क्षण मेरे हृदय में हो मेरी आँखों के सामने हो तो ये बांसुरी तो अब कभी नहीं बचेगी और ऐसा हुआ अगर आप किलोमीटर्स की दूरी देखें तो वृंदावन से मथुरा आज भी महज पंद्रह बीस मिनट का रास्ता है मतलब जाना राधा रानी के लिए कृष्ण से मिलने के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी कभी भी जा सकती थी बट उन्होंने कहा कि नहीं अगर कृष्ण चाहता है दूर रह कर के प्रेम करना तो हम उसमें सुखी हैं और यही प्रेम का जो असली जो मीनिंग होता है ना वो यही होता है कि यहाँ आप अपने लिए जब सोचना बंद कर देते हो वही प्रेम होता है सो so, ये राधा कृष्ण का प्रेम है ये दुनिया में मुझे नहीं लगता कहीं भी संभव है बट हाँ कोशिश कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा अपनी लाइफ में आ, उसको निस्वार्थ बनाने की कोशिश कर सकते हो बट पॉसिबल नहीं है ऐसा मेरा मानना है <laughs> ये आइडियलिस्टिक जो कहते हैं कि हाँ जी हम नहीं बन सकते वो है हाँ ये वो प्रेम है हाँ तो अगर आपको इस कॉन्टेक्स्ट के बाहर अगर लोगों को प्रैक्टिकल या जो आज में रेलेवेंट हो होती है उन्हें क्या कहेंगे प्यार के बारे में जो हम समझ सकते हैं थोड़ा सोच सकते हैं कि ये है क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूज़न है आज कि एक्चुअली प्यार क्या होता है एक्चुअली um, जो सेल्फलेसनेस आपने कहा था वो क्या होता है क्योंकि लोग कन्फ्यूज़ होते हैं लव को बहुत सारे नाम मिलते हैं लव uh, के अलावा <laughs> तो आज के कॉन्टेक्स्ट में आप क्या कहेंगे मैं आई थिंक इतना कह सकती हूँ कि लव इज़ पुटिंग समवंस नीड बिफोर योर्स आप कोशिश कर सकते हो कि भाई मैं जब भी सोचूं तो मैं के बारे में कम और उनके बारे में ज़्यादा सोचूं जिनसे मैं दावा करता हूँ कि मैं प्रेम करता हूं उनकी खुशी जिस चीज़ में है उनकी परेशानियाँ जिस चीज़ में है उसको अपनी परेशानी मानना उसको फील करना कि हाँ ये एक्चुअल में अगर ये जिससे मैं प्यार का दावा करता हूँ वो फील कर रहा है तो कहीं ना कहीं मैं भी उसको फ़ील करूँ एंड सेकेंड थिंग मोस्ट जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर आप किसी को प्यार का दावा करते हो तो उस पर अपने विचारों को प्रेशराइज़ मत करिए क्योंकि जब दो इंसान होते हैं ना तो दोनों की थॉट्स जो थॉट प्रोसेस है वो अलग होती है अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब हम किसी से प्रेम का दावा करते प्यार का दावा करते तो हम क्या सोचते हैं कि मेरी जो सोच है वो तुमसे मिलनी चाहिए जबकि ऐसा नहीं होता यहाँ पर हर एक आदमी की सोच अलग होती है और दो अलग सोच वाले लोग एक साथ एक छत के नीचे रह पा रहे हैं मुझे लगता है यही सबसे बड़ा प्रेम है <laughs> क्योंकि एक थॉट्स वाले लोग तो कहीं भी रह सकते बहुत इजी है उनका अलाइनमेंट है बहुत इजी है बट अगर आप वो कुछ और सोचते हैं और उनकी सोच को फिर उतना रेस्पेक्ट भी देना पड़ेगा आपको कि हाँ मतलब मैं इसके अगेंस्ट नहीं खड़ा हूँ मुझे पता है कि तुम जो सोच रहे हो तुम जो कर रहे हो मेरे लिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो तुम्हारे लिए प्रियोरिटी है और यही आज के टाइम में थोड़ा कम हो रहा है जैसे हस्बैंड है वाइफ है दोनों जॉब करते हैं तो उनका सबसे बड़ा झगड़ा यही है टाइम टाइम का झगड़ा कह लीजिए ओपिनियंस जो मैच नहीं करते उसका झगड़ा कह लीजिए वो भी जॉब पे जा रहा है वो वो इसलिए लड़ रहा है कि तुझे जॉब करने की क्या ज़रूरत है तो लड़की कह रही है कि तुमको इस टाइम पे जॉब जब मैं जाती हूँ उस टाइमिंग में करो तो कहीं ना कहीं ओपिनियन क्लैश होते हैं वही है कि प्रेशराइज़ करते हैं मैं जो चाहता हूँ वो करूँ इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा थिंक ज़ीरो डिजाइज किसी की नहीं हो सकती आई नो दैट लेकिन फिर भी थोड़ा बैलेंस तो कर ही सकते हैं कि आप एक दूसरे की ओपिनियन को रिस्पेक्ट दीजिए अगर आप वो देने लग जाते हैं तो आपका रिश्ता हेल्दी रहता है और बीच में आएंगी थोड़ी परेशानियाँ कोई भी दुनिया का रिश्ता संबंध ऐसा नहीं है जिसमें परेशानियाँ ना आए बट आपको उसको सॉल्व करना और उसको ओवरकम करना आना चाहिए अगर आप ये बात थोड़ा सा समझ जाते कि नहीं रिश्ते प्रेशर से नहीं चलते शर्तों से नहीं चलते आज मैं और आप ये रिश्ता संबंध कोई भी दुनिया का आदमी संबंध इस बेसिस पे नहीं बना सकता कि आज ही बता दो क्या चाहिए नहीं कर सकते ना आप रिश्ता शुरू करने से पहले जैसे शादी हो रही है तो आप क्या करेंगे आप पहले मुझे बता दो तुझे क्या चाहिए लिस्ट दे दो शर्तें बता दो बट ऐसा नहीं होता टाइम टू टाइम हमारी प्रियोरिटीज़ चेंज होती हैं हमारी सिचुएशंस चेंज होती हैं उसके हिसाब से हम कोई शर्त नहीं रख सकते और जब जैसी सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंगली एक दूसरे को साथ देना रिस्पेक्ट करोगे तो फिर अच्छा होगा अच्छा होगा ये जो हमारा सेगमेंट है गीता और कृष्ण भगवान के बारे में हम कंक्लूड कर, करेंगे एक लास्ट सवाल से कि आई नो डिफ़िकल्ट है लेकिन अगर आप ऐसे कोई फाइव लेसन्स जो हम गीता से सीख सकते हैं हम हमारे लिए समराइज़ कर सकते हैं तो आई थिंक बहुत ही फ़ायदा होगा लोगों का जो वो सिम्पलिसिटी चाहते हैं mm. कर सकती हूँ क्योंकि भागवत गीता में तो फाइव नहीं आई थिंक पाँच सौ है, है, पाँच हजार है क्योंकि हर मौके पर कृष्ण ने कुछ कुछ सिखाया है बट फर्स्ट मोस्ट जो इम्पोर्टेंट सरेंडर सेकेंड इज भरोसा मैं भागवत में भी बोलती हूँ कि महाभारत इज इक्वल टू भरोसा आपको विश्वास होना और यही भक्ति का दूसरा नाम है अगर आप भरोसा करते हैं तो आप महाभारत गीता इसके जो लेसन्स हैं उसको समझ पाएंगे क्योंकि आज के टाइम में लोगों को भरोसा नहीं है बस किसी पर भी नहीं है तो एटलीस्ट एक तो कोई हो ना जिसपे आप हंड्रेड परसेंट समझ जाए कि हाँ इस पर मुझे भरोसा है तो विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है गीता में श्री कृष्ण ने विश्वास की बात की है थर्ड इज धर्म धर्म का होना गीता के अनुसार बहुत जरूरी है मुझे पता है कि मैं धर्म के रास्ते पर चल रहा हूँ Uh, कुछ कितनी भी चीजें आ जाए परेशानियां आएंगी बट निकल जाऊंगा पार हो जाऊंगा तो धर्म के रास्ते पर चलने पर हमेशा ये बात पक्की है टाइम लग सकता है बट जीत पक्की है तो धर्म से होकर के अगर आप चलते तो आप गीता के फॉलोवर कहे जा सकते फोर्थ यू कैन से सत्य सच्चाई के साथ जीना सत्यता के साथ अगर आप जी रहे हैं आपको पता है कि आपके जीवन में सच्चाई कहीं ना कहीं एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रही है और वो मुश्किल भी नहीं है आज की डेट में लोग कह जरूर देते हैं अरे झूठ के बिना जीवन नहीं चलता बट एक बार सच्चाई से जी के तो देखो आप कोशिश करके तो देखो एक जब से सोशल मीडिया आया इसने हमें बहुत ज़्यादा झूठ की ओर बढ़ा दिया है क्योंकि हमारे पास बहुत इजी है फ़ोन पे किसी को भी बोल देना अरे मैं तो फलानी जगह पर हूँ अरे मैं होगा दिल्ली में बता देगा मैं तो अमेरिका में हूँ सो so, छोटी छोटी चीज़ों पे हम झूठ बोलना और झूठ के रास्ते पर चलना सीख गए हैं पर श्री कृष्ण कह रहे नहीं अगर तुम सत्यता के रास्ते पर चलोगे तो अफकोर्स विजय तुम्हारी होगी और चौथी चीज़ डिवोशन भक्ति पांचवी चीज़ डिवोशन भक्ति होना बहुत जरूरी है हम कितना भी कह ले कर्म अच्छे करो कर्म अच्छे करो कर्म अच्छे करने से ही भक्ति हो जाती है बट मुझे नहीं लगता कर्म अच्छे करने से भक्ति हो जाती है बात सही है बट कर्म अच्छे करोगे तब जब जीवन में डिवोशन होगा जिसके जीवन में भक्ति होगी वही कर्म अच्छे करता है बाकी जिसके जीवन में भक्ति नहीं है वो कहीं ना कहीं रास्ता भटक जाता है वो गलत रास्ते पे चला जाता है तो बिना भजन के यानी बिना भक्ति के बिना डिवोशन के आप कभी भी सही रास्ता नहीं चुन सकते तो डिटेल में तो बहुत जा सकते बट आई थिंक ये फाइव मोस्ट ऐसी चीज़ें हैं या ऐसी बातें हैं जो आप भगवद गीता से सीख सकते हैं थैंक यू आपने सिम्प्लीफाई कर दिया जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सीख सकते हैं जी हमने कृष्ण भगवान के बारे में बात की um, एक और ऐसे है जिनके बारे में बहुत ही चर्चा होती रहती है जो है महादेव शिव जी और सेम ही है जो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग uh, शिव जी कोट करते हैं कि उन्होंने ये कहा कि ऐसे है um, तो उनसे क्या लेसन्स आपने सीखे और उनका जो uh, जो वो सिंबलाइज करते हैं वो क्या है आ, शास्त्र कहते हैं श्रद्धा विश्वास रूपिण शंकर है विश्वास और पार्वती है श्रद्धा तो जैसे अक्सर एक कन्फ्यूजन होता है लोगों के मन में कि अंधविश्वास पर मैं कहती हूँ विश्वास कभी भी अंधा नहीं हो सकता विश्वास की तीन आँखें होती है क्योंकि वो महादेव है तो शंकर वो विश्वास का प्रतीक है और पार्वती श्रद्धा का प्रतीक है मैंने जिस एंगल से भगवान शंकर को पढ़ा है जाना है महादेव को महादेव कहीं ना कहीं रौद्र अवतार है ये सारी दुनिया जानती है क्योंकि वो सृष्टि के संहार करता है लेकिन महादेव का एक और एंगल भी है वो है भक्ति का एंगल जो स्पेशली ब्रज में बताया जाता है ब्रज में किस तरह से भगवान शंकर शांत हैं क्योंकि ये जो ऑपोजिट चीज़ें हैं ना कि वो रौद्र भी हैं और जब उनकी स्तुति होती है तो क्या बोलते हैं कर्पूर गौरम, करुणावतारम मतलब जो संघार का देवता है वो कभी भी करुणावान नहीं हो सकता पर शंकर है शंकर की हर चीज़ जो है वो ऑपोजिट होते हुए भी एक जगह पर है तो जो करुणा का जो रूप है भगवान महादेव का भगवान शंकर का वो उनको महादेव बनाता है करुण्य मतलब काइंडनेस जब भगवान शंकर की बात आती है तो हम ऐसे ही विनोद में मतलब बोलते हैं हँसते हुए कि शंकर अकेले कैसे देव हैं उनके मंदिर में आप एक लोटा दूध चढ़ा दो उसमें भी खुश हो जाते हैं आप उनको बेलपत्र चढ़ा दो उसमें भी खुश हो जाते हैं आप उनको थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा दो उसमें भी खुश हो जाते हैं यहाँ तक कि आप उनके मंदिर की कोई चीज़ भी चुरा ले जाओ उसमें भी खुश हो जाएंगे इतने ईजी देव हैं और ऐसे बहुत सारे उनके जो हिस्ट्री में कथाएँ आती हैं उनकी जो जो उन्होंने लीलाएँ की हैं महादेव की उसमें देखा गया है कि वो बहुत जल्दी पिघल जाते हैं मतलब किसी ने भी आकर के अगर ये कहा कि महादेव मुझसे गलती हुई और अब मुझे बचा लो तो वो उस भक्त के लिए इतना कर देते हैं भागवत में एक उदाहरण उदाहरण है बानासुर का तो बानासुर क्या था वो आ, महादेव का भक्त था और महादेव और कृष्ण की तो दोस्ती है आ, और वो कृष्ण का शत्रु था तो अब क्या किया कि महादेव ने अपने उस भक्त के बचाने के लिए कृष्ण के साथ युद्ध शुरू कर दिया okay. तो मतलब अब आप इस चीज़ से सोच okay. सकते हैं कि वो अपने भक्त के लिए कितने ज़्यादा समर्पित होंगे कि उसके लिए अपने आराध्य इष्ट भगवान श्री कृष्ण से उनका युद्ध हुआ है तो वो है महादेव और महादेव की एक सबसे बड़ी चीज़ जो लोगों ने नहीं पकड़ी और उसका गलत मीनिंग ले लिया वो है कि महादेव नशा करते थे महादेव ये खाते थे और उनके नाम पर हम बहुत गलत चीज़ें करते हैं और वो एकदम गलत है क्योंकि रामायण में इस बात का प्रूफ है माता पार्वती ने लिखा है क्योंकि एक पति को सबसे नज़दीक से और अच्छे से जानती है उसकी वाइफ़ क्योंकि वो 24 घंटे साथ रहती है और पार्वती ने लिखा है कि महादेव 24 घंटे राम नाम की मस्ती में डूबे रहते हैं इट मीन्स कि वो नशा करते पर वो भगवान के नाम का नशा करते हैं mm. राम नाम का नशा करते हैं वो दुनिया की कोई संसार वाली चीज़ का नशा नहीं करते बट हमने अपने ईजी वे के लिए उनका नाम यूज़ किया और कुछ भी करने लगे mm. क्योंकि महादेव जब राम राम बोलते थे तो ऐसा लिखा है कि अस्सी हज़ार साल तक महादेव समाधि में चले जाते थे तो ये तो कोई एक नशा नहीं दे सकता नशा ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक दिन का दुनिया से तोड़ देगा बट अस्सी हजार साल तक अगर आप समाधि में बैठे हो इसका मतलब श्री शंकर के जीवन में राम नाम की बहुत ज़्यादा महत्व था रामचरित मानस लिखी में लिखा है कि नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट फल दीनमी को मतलब राम बोल के जो विष पी गया और उस विष ने उसको अमृत का फल दिया तो असली राम नाम की वैल्यू को महादेव जानते हैं और एक चीज़ और जिसको दुनिया के मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं जानते महादेव के भीतर प्रेम बहुत है अगर हम बात करें महादेव की तो महादेव श्री राधा रानी के बहुत बड़े प्रशंसक थे चाहने वाले थे भक्त थे एक बहुत अच्छा स्तोत्र है जो उन्होंने राधा रानी के लिए गाया है जिसको राधा कृपा कटाक्ष कहते हैं और उसको हम सारे ब्रजवासी रोज गाते हैं जिसमें वो मांग रहे हैं राधा रानी से कि कदा करिष्य सी हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम कि हे राधा रानी आप मुझ पे कब कृपा करोगी तो बहुत अच्छा उन्होंने एक पूरा स्तुति गाई है और महादेव का जो प्रेम वाला एंगल है ना वो ब्रज में वृंदावन में मिलता है शायद आपने पता नहीं आपके नॉलेज में हो पूरे विश्व में एक ही ऐसा मंदिर है जहाँ महादेव गोपी बन के रहते हैं वृंदावन में उनका नाम है गोपेश्वर महादेव और उनका पूरा श्रृंगार लेडीज जैसा होता है उनको चोटी लगाई जाती है चुनरी पहनाई जाती है और ये उस समय का है जब कृष्ण ने महारास किया तो महाराष्ट्र में एंट्री सिर्फ गोपियों की थी तो शंकर ने कहा मैं गोपी बन जाता हूँ और वो गोपी बन के आ गए और उनका नाम गोपेश्वर महादेव पड़ गया तो जो शंकर भगवान को अगर जानना चाहते तो उनकी इस एंगल को लोगों को मुझे लगता है जानेंगे तो उनसे थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट फील कर पाएंगे क्योंकि रौद्र थोड़ा सा आदमी डरता है कि शंकर रौद्र है लेकिन जब ये वाला एंगल आ जाएगा तो भगवान शंकर भी अपने जैसे लगने लगेंगे और शास्त्र कहता है वैष्णवा नाम यथाशंभो कि वैष्णवों की अगर लिस्ट बनाई जाए तो उसमें फर्स्ट जो नाम आता है वो भगवान महादेव है वो भगवान शंकर है तो मेरी दृष्टि से शंकर महादेव ये है hmm. बहुत ही अलग तरीके का परसेप्शन है क्योंकि Uh, जैसे हम कनेक्ट करते हैं सर्टेन वर्ड्स भगवान से कई भगवान से तो जब हम शिव जी महादेव या शंकर जी के बारे में सोचते हैं तो ऑफ़िन एक वर्ड आता है जो है डिस्ट्रक्शन कि वो डिस्ट्रॉय कर लेते हैं ये कहाँ से आया ये जो थियोरी है जो लोगों की अंडरस्टैंडिंग है वो कहाँ से आ रही है हाँ शंकर संघार के डिस्ट्रॉय के देवता है क्योंकि दुनिया जब बनी सृष्टि जब बनी तो उसमें तीन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई भगवान विष्णु भगवान शंकर और श्री ब्रह्मा जी और जन पालन और संघार इन तीनों में जो ड्यूटी भगवान शंकर को मिली है वो संघार की मिली है इसीलिए उनको डिस्ट्रॉय के लिए जाना जाता है और वो करते भी हैं मतलब जब दुनिया का विनाश जिस दिन होना होगा तो शंकर ही करेंगे महादेव ही करेंगे लेकिन ये जस्ट उनकी ड्यूटी है ये उनको काम सौंपा गया है वो ऐसे हैं ऐसा नहीं है मतलब ड्यूटी के लिए आदमी तो कुछ भी करता है क्योंकि उसका वो कार्य है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ये जस्ट एक भगवान महादेव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बट वो ऐसे हैं ऐसा नहीं है वो बहुत करुणा से भरे हुए मतलब वो बहुत प्रेम से जो उनके भीतर है इसलिए मैंने कहा ना कि अगर जो ये वाला उनका एंगल देखना है, तो आपको फिर शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे आपको जो वृंदावन वाला जो शंकर है महादेव है उनको जानना पड़ेगा कि उनमें कितना प्यार है उनमें कितना प्रेम है ये लोग नहीं जानते वो पढ़ते नहीं हैं जस्ट उनकी ड्यूटी को मान लिया कि यही महादेव है ऐसा नहीं है महादेव के भीतर बहुत ज्यादा गंभीरता है महादेव के भीतर बहुत करुणा है प्रेम है उसको जानिए तो आपको वो अलग नहीं लगेंगे कारण क्या है कि पैरलर में अगर मैं बात करूँ तो श्री हनुमान जी हनुमान जी को भी लोग ऐसा ही समझते मारना धारणा रौद्र रूप आ, कई सारे जो गाड़ियाँ होती है नॉर्मली हम देखते हैं सड़कों पे पीछे हनुमान जी का बड़ा ही एग्रेसिव रूप दिखाया जाता है बट इस एग्रेशन से हट कर के हमारे हर देवता में ना एक प्रेम का भी एक पार्ट है वो जानोगे तो फिर इनसे डर नहीं लगेगा लोग कहते हैं ना मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता भगवान के अलावा बट मैं कहती हूँ दुनिया में भगवान ही एक ऐसी चीज़ है जिस जिनसे डरना नहीं चाहिए प्रेम करना चाहिए Hmm. बट उनके पहले डीप सेंस को जानोगे तब आपको उनसे प्रेम होगा सिर्फ ये सोचोगे पाप देने वाला है दंड देने वाला पनिशमेंट वाले लोगों की नज़र में भगवान बस पनिशमेंट देने वाला ऐसा नहीं है भगवान सचमुच उनको जानोगे तो उनके लिए प्रेम उमड़ता है चाहे वो शंकर हो महादेव हो, हनुमान जी हो, हमारे कृष्ण हो, कोई भी भगवान ले लीजिए hmm. और जो तीसरी आँख है उसका क्या सिग्निफिकेंस है Uh, मैंने बताया विश्वास भगवान शंकर की जो तीसरी जो आँख है वो विश्वास का प्रतीक होती है लेकिन वो अक्सर जो हम कहते हैं ना उससे डरना उन्हीं को चाहिए जो गलत काम करते हैं hmm. जैसे कहते ना अगर हमको कुछ क्रोध आ गया शंकर भगवान को तो तीसरी आँख खुल जाएगी और सब डिस्ब डिस्ट्रॉय हो जाएगा बट उससे किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि देखो कोई भी चीज़ बनती है तो इट मीन्स ये कन्फर्म है वो बनी है एक पीरियड ऑफ टाइम वो चलेगी एंड देन उसका एंड होना है तो ये संसार बना है एक पीरियड ऑफ टाइम तक चलेगा और एक दिन ख़त्म होने ही होना है और वो उसी दिन होगा जब वो तीसरी त्रिनेत्र जो है महादेव का वो जब ओपन होगा खुलेगा तब इस तब संसार का विनाश होगा लेकिन उसमें बहुत टाइम है अभी अभी उसका कोई भी काम नहीं है जैसे मैंने सुना है जैसे आपने एक बात कही ना कि सही गलत को कैसे जाने तो सोशल मीडिया पर आज बहुत मैं सुनती हूँ दो हज़ार पैंतीस में या कुछ थर्टी में जाकर के दुनिया ख़त्म हो जाएगी पहले ट्वेल्व में खत्म ट्वेल्व में होने वाली थी और फिर अब थर्टी में हो जाएगी <laughs> लोग जा वही बात है ना रिसर्च नहीं करते बट मान लिया जिसने जो कहा वो कर लिया ऐसा नहीं है जब इस संसार का खत्म खात्मा होगा ये खत्म होगी तो वो एक एकदम एंड होगा कलयुग का एकदम एंड होगा और वो भगवान शंकर करेंगे <laughs> महादेव और पार्वती जी के बारे में बात करेंगे उनके रिलेशनशिप से लोग क्या सीख सकते हैं उनका रिलेशनशिप कैसे था uh, मैंने एक तरफ तो बता दिया कि विश्वास का प्रतीक शंकर है पार्वती है श्रद्धा का प्रतीक श्रद्धा क्या होती है कि आज के टाइम में मुझे ऐसा फील होता है आज के टाइम में अगर सबसे ज़्यादा इंसान में कहीं किसी चीज़ में कमी आई है तो आदमी की श्रद्धा में आई थोड़ा जब तक आप भक्ति का मतलब होता है, कहते हैं ना श्रद्धा से करो भक्ति जो करनी है श्रद्धा पूर्वक करो तो जब आप भगवान शंकर और माता पार्वती के इस गुण को जान लेते हैं जैसे हर देवी देवता का हमारे स्क्रिप्चर्स में एक गुण दिया गया है पार्वती श्रद्धा है शंकर विश्वास है, भगवान कृष्ण आनंद है सच्चिदानंद स्वरूप उनको माना जाता है श्री राधा रानी प्रेम है तो अगर शंकर और पार्वती दोनों को मिलाए जाए विश्वास और श्रद्धा को मिलाए जाए तो फिर दोनों के मिलन से क्या पैदा होता है गणपति और गणपति है ज्ञान ज्ञान तो जब विश्वास और श्रद्धा मिलती है तब हमारे मन में ज्ञान पैदा होता है नॉलेज पैदा होती है तो उस ज्ञान के लिए आपको दोनों का होना जरूरी है तो श्रद्धावान बनिए विश्वासवान बनिए और अगर उन दोनों की रिलेशन की बात की जाए तो उनका प्रेम भी जैसे मैंने कहा कि वो भी संसार से अलग हटके दोनों शक्ति है तो उनका प्रेम भी जो है वो भी संसार से एकदम अलग है क्योंकि कहीं भी भगवान शंकर में लिखा है ऐसा कि उन्होंने अनेक शादियाँ की और हर जन्म में पार्वती ही अलग अलग फॉर्म लेकर के आई और तब उनके साथ विवाह किया तो इससे ये बात सिद्ध हो जाती है जो सात जन्मों की बात करते हैं ना <laughs> वो सिर्फ कहने की है लेकिन भगवान शंकर और पार्वती ने उसको आ, करके दिखाया है कि सचमुच मैं हर जन्म में तुम्हारे ही साथ तुम विवाह करूंगा और हम दोनों साथ में मिलकर के रहेंगे और जहां जहां पार्वती जी को कंफ्यूजन हुआ हुआ कई जगह हाँ। पार्वती जी आ, राम जी के ऊपर थोड़ा सा शंका करती है कि ये कैसे भगवान अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं हाँ। और वो सीता मैया का रूप लेके चली जाती हैं शंकर जी राम जी के पास तो उस समय भी भगवान शंकर ने माता पार्वती को सत्संग सुनाया और उनके कन्फ्यूज़न को दूर किया संशय को दूर किया और भा मैं जितना मैंने पढ़ा है शंकर और पार्वती में एक बहुत अच्छा रिश्ता ये था वो दोनों बैठ के सत्संग किया करते थे शंकर बोलते थे और पार्वती सुनती थी इट मीन्स कि जो भी आज के आज के टाइम में जो कपल्स हैं उनको भगवान शंकर पार्वती से ये चीज़ सीखनी चाहिए कि कभी शांति से बैठ के वन टू वन अपनी लाइफ की जो आध्यात्मिक चर्चा वो करनी चाहिए कितना कमाएंगे फ्यूचर प्लानिंग में बच्चे कितने होंगे ये सब हम बातें करते हैं बट हम कहाँ से आए हैं कहाँ जाना है ये जो डीप जो कॉन्वर्जेशन है ये हम नहीं करते हैं ये शंकर और पार्वती क्या करते थे कभी भी कोई कन्फ्यूज़न होती थी तो भगवान शंकर उसको ख़त्म करते थे तो ये चीज़ आज के जो कपल्स हैं जो हस्बैंड वाइफ है उनको ये ज़रूर सीखनी चाहिए टाइम निकालिए और भक्ति की धर्म की बातें करिए <laughs> अगर हम महादेव जी और कृष्णा जी की दोस्ती के बारे में बात करते <laughs> वो बहुत ही अलग दोनों बहुत ही अलग भगवान हैं, लेकिन फिर भी जो यूनिवर्स है उनमें बैलेंस बना रखती है दोनों उनके दोस्ती से हम क्या सीख सकते हैं भक्ति जो होती है ना उसके पंच रस होते हैं, मतलब पांच स्टेप है जिसमें एक होता शांत रस एक होता दास रस एक होता सख्य रस एक होता है माधुर्य रस मतलब भगवान को अपना प्रियतम मानना तो ये जो पांच रस होते हैं ये हर एक आदमी में अलग अलग होता है जैसे सुदामा में सख्य रस था वो कृष्ण का सिर्फ सखा था तो यही रिलेशन था यशोदा देव की ये वात्सल्य रस था ये माँ कृष्ण को बच्चा मानते थे महादेव एक अकेले ऐसे देव हैं जिनमें पांचों रस एक साथ है। शांत रस जब वो हिमालय में तपस्या करते हैं, तो शांत। वो जब कहानी आती है कथा आती है कि वो कृष्ण से मिलने आए थे जब कृष्ण का जन्म हुआ बच्चे थे कृष्ण तो उस समय कृष्ण के साथ उनका वात्सल्य भाव है कि ये मेरा लाला है छोटा सा बच्चा है <laughs> सख्य सखारस जो है वो तो है ही कि भाई मेरे दोस्त है मित्र है माधुर्यरस माधुर्य रस कब आया भगवान शंकर में जब वो रास में आए क्योंकि रास में कहीं ना कहीं एक एज हो गई थी भगवान कृष्ण की तो उस समय रास में माधुर्य चाहिए होता है मतलब प्रेम चाहिए होता है तो वहाँ वो मधुर रस एक होता है से रस ये पांच हैं तो दास मानना ये से रस होता है ये भगवान शंकर में पांचों विराजमान है टाइम टू टाइम जब उनको जहाँ जो जिस चीज़ की जरूरत पड़ती है वो उस हिसाब से कृष्ण को भजते हैं इसलिए शंकर भगवान को सबसे बड़ा भक्त भी और भगवान कृष्ण का भगवान भी माना जाता है इस दुनिया में या तो कोई सेवक होगा या मालिक होगा बट कृष्ण और शंकर का रिलेशन ऐसा है कि ये दोनों ही एक दूसरे को मालिक भी मानते और अपना दास भी मानते हैं टाइम टू टाइम कभी भगवान शंकर से पूछोगे तो कहोगे वो कहेंगे मैं कृष्ण का दास हूँ और कृष्ण से पूछोगे वो कहेंगे मैं शंकर का दास हूँ तो ये इन दोनों का जो संबंध है जो रिश्ता है बहुत ही ज्यादा डीप है बहुत ही बड़ा रिश्ता है बट हम क्या सीख सकते हैं जो मैंने कहा कि पांच जो रस है अगर वो पांचों आप अपने अंदर नहीं ला सकते एटलीस्ट एक लाइए एक आपके अंदर भगवान से एक रिलेशन होना चाहिए या तो आप उनको बच्चा मानो या आप उनको अपना एक माता पिता मानो या आप उनको अपना मालिक मानो एक रिश्ता ज़रूर शंकर भगवान से सीखो कि भाई मुझे भगवान से एक रिश्ता ये बनाना है क्योंकि जहाँ रिश्ता होता है जहाँ रिलेशन होता है वहीं संवाद होता है वहीं बातें होती हैं तो वो जब आपका हो जाएगा तो फिर भगवान से आ, अपने आप ही आपकी बातें भी शुरू हो जाएंगी उनसे आपको बातें करना अच्छा लगेगा <laughs> तो ये भगवान शंकर और भगवान कृष्ण से दोनों के रिश्ते से हम सीख सकते वेरी इंटरेस्टिंग ये पर्सपेक्टिव आई डोंट थिंक है बहुत सारी जगह में जो अगला सवाल है वो आपने एक बात कही थी जब आप द्रौपदी के बारे में बात कर रही थी कि जो सारी ख़त्म नहीं होती वो साइंस नहीं मानेंगी साइंस और स्पिरिचुअलिटी में कांस्टेंट ये बैटल जैसे रहा है कि कौन सही है कौन गलत है और अब जाकर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे जो साइंस थियोरी है वो वही बता रहे थे वही बता रहे हैं जो ऑलरेडी स्क्रिप्चर्स में है लिखा है जैसे आ, मन और शरीर का संबंध जो है जी इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे देखिए साइंस और स्पिरिचुअलिटी जो है ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं विज्ञान और ज्ञान जब भी हमारी हिस्ट्री में देखा गया ये साथ चले हैं हमारे जो ऋषि थे वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे वो बहुत बड़े ज्ञानी भी थे और विज्ञानी भी थे मतलब उन्होंने कहा कि मुझे एक विमान बनाना है तो जस्ट उन्होंने संकल्प लिया और विमान बन, बन के, के तैयार जिस विमान को मतलब एयरप्लेन को आज बनाने में इतनी मेहनत लगती है वो बस ऐसे संकल्प से बना देते थे तो इट मीन्स उनके पास विज्ञान था उनके पास लॉजिक था और इस बात को समझने में जैसा आपने कहा ना लोगों ने थोड़ी देर जरूर की है कि साइंस समझती है कि वो जिस मंजिल पर जब पहुँचेगी जब उसको लगेगा कि उसने सब कुछ पा लिया है तब वो देखेगी कि ज्ञान ने ये हजारों साल पहले पा लिया था उसको एनालाइज कर लिया था लेकिन क्या होता है कि हम चीज़ों को समझने में थोड़ी देर कर देते हैं हम उन चीज़ों को रियलाइज़ करने में थोड़ी देर कर देते हैं ज्ञान की जो बातें हैं हम जब स्कूल में पढ़ते थे बिग बैंग थियोरी पढ़ाई जाती थी हमें बताया जाता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमारा ज्ञान हमेशा से कहता है सत सात्विक राजस्विक तामसिक तीन गुण होते इनसे सृष्टि का सृजन होता है सृष्टि बनती है साइंस uh, कहता है कि धरती जो है वो स्पेस पर टिकी है स्पेस मतलब खाली hmm. ज्ञान कहता है धरती शेष पर टिकी है शेष नाग शेष मतलब खाली सो hmm. so, अगर आप डीपली जाएंगे तो आप देखेंगे कि दोनों की बातों में कोई फर्क नहीं है हम कहते दुनिया भगवान चलाती है साइंस कहती है कोई एक गॉड है हम कहते उसका नाम है ब्रह्मा विष्णु महेश साइंस गॉड जी फॉर जनरेटर ओ फॉर ऑपरेटर डी फॉर डिस्ट्रॉयर जनरेटर कौन है विष्णु uh, जनरेटर कौन ब्रह्मा। है ब्रह्मा ऑपरेटर है विष्णु और डिस्ट्रॉय है महादेव तो अगर हम इन चीज़ों को जानते तो हमें समझ आता कि इनमें तो कोई फर्क ही नहीं है सेम ही बात सेम ही बात है बट ईगो सिस्टम आ जाता है कि नहीं हम ज्ञान की नहीं मान सकते हम स्क्रिप्चर्स की नहीं मान सकते बट ऐसा नहीं है जब हम उन चीज़ों से अपनी पुरानी टाइमिंग जो हमारे एंसेस्टर्स रहे हैं हमारी जो रिलीजन की जो बुक्स रही हैं उनको अगर आप पढ़ेंगे तो इतना सब कुछ आपको आज जो हो रहा है उन्होंने हज़ारों साल पहले दिया और एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कभी भी ना चैलेंज नहीं करना चाहिए इवन ना साइंस को करना चाहिए ना ज्ञान को यानी विज्ञान के प्रति भी हमें चैलेंज uh, नहीं करना चाहिए एक दूसरे के साथ मिल कर के चलना चाहिए और वो हैं भी एक दूसरे के साथ नॉलेज को जो स्प्रेड करेगा वो साइंस करेगा क्योंकि आज साइंस है तो हमारे पास कैमरा है माइक है सोशल uh, मीडिया है वहाँ जा रहा है ज्ञान हमारा साइंस के थ्रू और साइंस को जो ज्ञान मिल रहा है वो अध्यात्म से मिल रहा है hmm. तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए होने चाहिए ना कि एक दूसरे के अगेंस्ट में uh, अध्यात्म के जो लोग हैं उनको साइंस की वैल्यू करनी चाहिए कभी भी उस पर क्वेश्चन नहीं और साइंस को भी ये समझना चाहिए कि धर्म जो है वो सबका रूट है वो जड़ है uh, वहाँ जो बातें कही गई हैं हम उसी को फॉलो करते आ रहे हैं और उसी से हम आगे बढ़े <laughs> एक बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है जिसपे हम बात करेंगे वो है स्ट्रेस जो हमारा पर्सनल ग्रोथ है जो हम कुछ भी करना चाहते हो अगर हमारा स्पिरिचुअल जर्नी है या अम, हम बस खुश रहना चाहते हैं तो स्ट्रेस कम करना बहुत ही ज़रूरी है लेकिन जब भी किसी से भी पूछो वो स्ट्रेस में रहते हैं काम का स्ट्रेस है घर का स्ट्रेस है फैमिली का स्ट्रेस है फ्रेंडशिप का स्ट्रेस है स्ट्रेस ही स्ट्रेस है लोग स्ट्रेस कैसे कम कर सकते हैं और क्या लिखा है जो हम अप्लाई कर सकते हैं हमारे लाइफ में देखो सबसे पहले तो स्ट्रेस है क्या वो समझना पड़ेगा <laughs> हम डायरेक्टली जाते हैं निवारण पर पर उसका कारण नहीं खोजते मतलब सल्यूशन सीधा चाहिए बट उसका रूट कॉज नहीं जानते पहली चीज़ स्ट्रेस कोई प्रोडक्ट नहीं है हुँ. या किसी ने दे दिया हो ऐसा नहीं मतलब अगर प्रोडक्ट होता तो उसको गिफ्ट रैप करके दिया जाता किसी को मतलब स्ट्रेस आई थिंक एक बैगेज है जो हम खुद ही कैरी करते हैं mm -hmm. हम कह जरूर सकते हैं कि उसकी वजह से मैं स्ट्रेस में हूँ mm -hmm. वो रीज़न वो है बट डीप डाउन जब आप चेक करते हैं तो आप खुद ही कहीं ना कहीं उसका रीजंस होते और हम रीज़न इसलिए होते हैं मुझे लगता है स्ट्रेस का एक सबसे बड़ा जो कारण है वो है हमारी डिज़ायर्स हम कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है हुँ. या तो हम कुछ आ, किसी से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं वो भी हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है क्योंकि एक्सपेक्टेशन हमारी है उस पर सामने वाले का को कोई जोर, जोर नहीं, नहीं है।, है मैंने कहा मुझे लगा कि ये मेरे साथ आएगा तो ऐसा बिहेव करेगा उसने नहीं किया मैं अपने आप को दुखी महसूस करती हूँ स्ट्रेस मुझे आ जाता है तो इट मीन्स कि वो जो हमारी खुद की डिज़ायर्स होती हैं खुद की इच्छाएँ होती है जैसे मुझे Uh, मैं टू बी के में रहता हूँ बट अब मेरी डिज़ायर क्या है मुझे फोर बी के चाहिए <laughs> अब वो जब नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं तो uh, मन में एक रुकावट पैदा होगी और ये बात आज से पाँच हजार साल पहले कृष्ण ने गीता में बताई थी स्ट्रेस का रीज़न वाह uh, गीता में दो श्लोक है जो डिप्रेशन, एंजाइटी स्ट्रेस ये जो भी सम काइंड ऑफ सेम जो वर्ड्स हैं, इनका कारण है कृष्ण कहते हैं ध्यायतो ध्यान संगस्तेषु पजायते संगा संजायते काम कामात क्रोधो भी जायते क्रोधा भवती समोहामोहामृति विभ्रम स्मृतिभ्रंशा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशा प्रणश्यति मतलब विषयान सर जब आप ऐसे कैटेगरी के, के लोगों का संग करते हो जिनकी खुद की बहुत सारी डिजायर्स हैं मान ले मेरा फ्रेंड है वो कहता मुझे आईफोन चाहिए तो मैं उसके साथ रहने लगी उसके साथ रहते रहते मुझे भी क्या होगा इसके पास आईफोन अब मुझे भी चाहिए बट मेरे पास पैसा नहीं है इतना तो क्या हुआ डिजायर आई आ, डिजायर कहाँ से पैदा हुई कृष्ण कहते संग से कंपनी आपकी जो कंपनी है उस कंपनी से आपके भीतर डिज़ायर हुई डिज़ायर में जब कोई ब्रेक आया कोई बाधा आई तो फिर क्या हुआ तो आपको क्रोध गुस्सा आएगा एंगर आएगा क्रोधात भवती सम्मोहात सम्मोहात स्मृतिवर्मो क्रोध क्या करता है एंगर का क्या करता है लॉस धीरे धीरे मेमोरी पर इंपैक्ट करता है फिर बुद्धिनाशात प्रणश्यति फिर धीरे धीरे बुद्धि खत्म होती जाती है वो आदमी अपने स्टेज अपने स्टैंडर्ड से नीचे गिर जाता है और उसी को आज की भाषा में बड़े लेवल पे जाके डिप्रेशन घोषित कर दिया जाता है कि ये आदमी डिप्रेस्ड है तो यानी कि इन सारी जो प्रॉब्लम है इसका जो मुझे लगता है जड़ है वो है हमारी अपनी कामनाएँ हमारी अपनी डिज़ायर्स अगर आप उन डिज़ायर्स को कम कर लोगे तो आप ऑटोमेटिकली थोड़े से स्ट्रेस से रिलीव महसूस करोगे आपको इस चीज़ को समझने में थोड़ा समय लग जा लग जाता है लग सकता है बट जिस दिन आप ये समझ गए एक बहुत ही छोटा वो बहुत प्रसिद्ध फेमस भजन है कि जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। मतलब ये जीवन का सबसे बड़ा आ, जीवन में शांति देने वाला शब्द है कि जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए मेरी डिजायर पूरी हो गई तो भी उसकी मर्जी और अगर नहीं हुई तो उसकी इच्छा मतलब मुझे पता है कि इसमें भी कहीं ना कहीं मेरा कुछ ना कुछ अच्छा छुपा होगा ये फील आती ही आप थोड़ा सा आपका जो बर्डन है कंधे पर वो कम हो जाता है आप स्ट्रेस को थोड़ा सा कम महसूस करते हैं क्योंकि अब आपकी इच्छाओं को आपने थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया आई नो इच्छा मारी नहीं जा सकती इस संसार में जो पैदा हुआ है अपने आप आएगा ही और बहुत सारे लोग हमें ये भी कहते हुए सुनते हैं कि कभी भी आगे बढ़ने की सोचो जितना आपके पास है उसका डबल पाने की सोचो आगे बढ़ो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको ये कहते हुए नजर आएंगे और अच्छी बात है लेकिन ये चीज़ बताना भूल जाते कि अगर नहीं मिला तो तो भी अपने आप को आपको बैलेंस में रखना पड़ेगा अदरवाइज आप 24 घंटे अपने आप को स्ट्रेसफुल महसूस करोगे hmm. तो एक चीज़ हमें ये समझनी होगी कि लाइफ जो है जीवन जो है यहाँ ज़रूरतें पूरी करना जिंदगी नहीं होती कुछ अधूरी ख्वाहिशों के साथ जीना भी जिंदगी होता है सब कुछ मिल जाना ही जिंदगी नहीं है कुछ चीज़ें छूटेंगी तो उनको पाने के लिए आदमी मेहनत करेगा आगे बढ़ेगा कोशिश करेगा तो ऐसा करने से और ऐसा सोचने से जब आप हम थोड़ा सा अपनी डिजायर्स पे कंट्रोल कर लेते हैं तो आप स्ट्रेस से रिलीव हो सकते अदरवाइज तो आज का जो टाइम है अगर देखोगे तो यहाँ चारों ओर इतनी सारी चीज़ें हैं और आप अगर सब कुछ ही पान लेना चाहते हो तो एट दी एंड आप अपने आप को हमेशा स्ट्रेस में ही पाओगे कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं जीवन जो है लाइफ जो है वो बहुत लाइट है बट उसको हम अपनी डिजायर से हैवी बना देते, देते हैं उसको इतना हैवी बना देते हैं कि फिर हमारे खुद के कंधे थक जाते हैं उस बर्डन को ले ले जाते ले जाते तो थोड़ा लूज छोड़ दो मतलब मिल गया तो उसकी मर्जी एक किसी ने बहुत सुंदर बात कही इंसान की फितरत क्या ह्यूमन नेचर क्या है कि ना मिले तो सब्र नहीं करता और मिल जाए तो कदर नहीं करता या। <laughs> ये ह्यूमन नेचर है जो मिल गया उसके लिए वो जीरो और जो नहीं मिला वो जीरो उसके लिए थाउजेंड और उससे भी ज़्यादा कि ये क्यों नहीं है भले वो एक छोटा सा कोई सुई क्यों ना हो बट उस उसको वही चाहिए जो नहीं है hmm. और ये स्ट्रेस का सबसे बड़ा रीज़न है तो थोड़ा डिजायर्स कम इन सेकेंड थिंग जैसे कहते हैं ना कि ट्रीटमेंट करोगे बट उसके साथ थोड़ा प्रिकॉशन भी जरूरी होता है परहेज परहेज जरूरी होता है तो परहेज यह है कि आप डिजायरस को कम करो और उसके साथ साथ आप थोड़ा सा हेल्प लो भक्ति का अगर आपका मेडिटेशन में इंटरेस्ट है आप मेडिटेशन से थोड़े स्ट्रेस को कम कर सकते हो आपका चैनटिंग में इंटरेस्ट है आप चैन करिए आपका संगीत म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो आप कोई भी स्पिरिचुअल जो म्यूजिक है उससे अपने आप को थोड़ा सा हेल्प कर सकते हो स्ट्रेस को कम करने के लिए जो अपनी फितरत की बात की बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि <laughs> इट्स सो रिलेटेबल क्योंकि वही चीज़ के बाद पीछे हम भागते रहते हैं और जो चीज़ हमारे पास एक्चुअली है उसकी क़दर ही नहीं उसकी कदर नहीं और अक्सर मैंने देखा है क्योंकि मैं तो अध्यात्म से जुड़ी हूँ लाखों लोग आते हैं मोस्टली थैंकफुल नेचर की जगह हमेशा उनके मन में भगवान के लिए शिकायतें होती है मतलब hmm. बहुत सारी शिकायतें कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है बट जिस दिन हमारा एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड ये एक बहुत बड़ा एक hmm. आजकल चल hmm. रहा है ये सिखाया जाता बट ये हमारी सनातन की परंपरा सदियों से सिखाई सिखा रही है भगवान को धन्यवाद दीजिए जो आपके पास है एक बहुत अच्छी कोट मैं बोला करती हूँ कि सुख भी बहुत है परेशानियाँ भी बहुत है जीवन में लाभ है तो हानि भी बहुत है और क्या हुआ अगर उसने थोड़ा सा दुख दे दिया उसकी हम पे मेहरबानियाँ भी तो बहुत है तो एक बार उस पर नज़र डालो तो कभी डालते ही नहीं क्या नहीं क्या नहीं क्या नहीं, क्या नहीं बस वही लिस्ट तैयार रहती है क्या है वो लिस्ट भी एक बार तैयार करोगे तो अपने आप स्ट्रेस कम हो जाएगा हमेशा अपने से ऊपर देखा जाता है मेरे से बड़े लेवल पे कौन और वो स्ट्रेस को जन्म देता है उसी से स्ट्रेस आता है थोड़ा सा कभी ये देख लिया कि नहीं आ, बड़े बड़े शहरों में देखो घर नहीं है लोगों के पास जॉब नहीं है उसके कंपैरिजन में भगवान ने कितना कुछ दिया, दिया है।, है तो अपने आप हल्के हो जाएंगे अपने आप लाइट फील करने लकी <laughs> जो आखिरी सेगमेंट है um, वो भी बहुत ही रेलिवेंट है क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं और लोगों को ज़्यादातर कन्फ्यूजन रहता है धर्म और कर्मा धर्म क्या है और कर्म क्या है उसके बारे में पहले हम क्लैरिटी दे देते हैं फिर आगे क्वेश्चन में जाते हैं धर्म पर मैंने बहुत बातें की हैं बहुत बोला है और सबके अपने अपने विचार हैं पर मुझे लगता है बहुत ईजीएसट वे में अगर मैं कहूँ धर्म का मतलब होता है जो जीने का आपको तरीका सिखाता है रास्ता रास्ता बताता है मतलब आपको पता है धर्म पर चल करके कि क्या सही है और क्या गलत है क्या करने से इसके रिजल्ट क्या होने वाले हैं मतलब एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि आप एक कॉन्शियस माइंड जो बनाता है वो धर्म बनाता है रिचुअल्स एंड धर्म इन दोनों में डिफरेंट है क्योंकि अक्सर हम रिचुअल्स जो हम करते हैं उसको धर्म समझ लेते हैं बट धर्म इज बेसिकली वे ऑफ लिविंग आर्ट ऑफ लिविंग कह सकते हैं आपकी जो आपको तरीका समझाए कर्म की सबकी परिभाषा डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है जैसे एक फैमिली uh, मैन जो है घर का मेन है वो उसके लिए उसका घर को चलाने का जो जरिया है कि वो जॉब करता है बिजनेस करता है ये उसका कर्म है ये उसकी कर्म भूमि है वहीं एक अगर कोई वाइफ है वो बच्चों को पालती है पालन पोषण करती है टेक केयर करती है बट वो पैसा नहीं कमा रही है जॉब नहीं कर रही है बट सबका टेक केयर करना ये उसका धर्म है इसलिए हमारे शास्त्रों में हर धर्म को हर कर्म को अलग अलग कैटेगराइज किया है कि एक राजा का क्या कर्म होना चाहिए एक बच्चे का क्या कर्म होना चाहिए तो वो कर्म अलग अलग कैटेगरी वाइज आप डिवाइड कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज जहां जिसको मिल जाती है अगर मैं इजी वे में कहूँ तो आपकी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपका अपना कर्म है और वो आपको 100% परसेंट प्योरिटी के साथ निभाना चाहिए इजी वे में स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज पर आप ये समझ सकते हैं अगर कर्म के बारे में बात करें तो इंटेंशन बहुत ही ज़रूरी है कि आपका जो इंटेंशन है वो सही है कि आप गलत इंटेंशन से कुछ कर रहे हो वो कैसे रिलेटेड है कितना इम्पोर्टेंट है जो आपके इंटेंशंस है कर्म के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप सिमिलर एक्शंस देखोगे दो लोगों में बट जस्ट बिकॉज उनकी इंटेंशन अलग अलग है तो उनको कर्म का रिजल्ट भी अलग अलग मिलेगा फॉर एन एग्जाम्पल आप किसी को गोली मार दो हुँ. तो आपको जेल जाना पड़ेगा हाँ. आप पर चार्ज लगेगा बट वही आप बॉर्डर पर खड़े होकर के कोई आर्मी वाला गोली चला रहा है तो देन उसको अवार्ड मिलेगा करेक्ट वही सेम सिचुएशन जैसे चाकू एक डॉक्टर भी चलाता है और एक चोर भी बट एक जान लेता है और एक जान देता, देता है।, है जीवन देता है तो ये सारा मतलब जो बेस है वो इंटेंशन है कई बार ऐसा होता है कि कर्म दिखने में थोड़ा हार्ड लगता है टफ लगता है कि ये गलत हो रहा है बट इंटेंशंस अगर आपकी उस चीज के प्रति सही है तो कर्म का रिजल्ट भी सही ही आएगा और अगर बात करें हम इस युग की ये जो चल रहा है कलयुग तो इसमें इंटेंशंस जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप किस लिए उस कर्म को कर रहे हो अगर आप कर्म ठीक करते हो और आपकी इंटेंशंस को आप सही रखे के चल रहे हो तो आपको फिर डरने की घबराने की जरूरत नहीं है इसलिए जब भी आप कोई काम करते हो सबसे पहले क्वेश्चन अपने आप से ये करो किस लिए मतलब मैं इस काम को कर रहा हूँ तो इसका रीजन क्या है किस लिए कर रहा हूँ और जब आप वो समझ जाते हो तो फिर अपने आप क्लियरिटी ऑफ थाट्स आ जाती है तो फिर आपको अपने आप उसका रिजल्ट भी सही मिलेगा तो इंटेंशन सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके कर्मों में लोग ऐसा भी कहते हैं कि एक अच्छा इंसान बनो और सब ठीक हो जाएगा एक अच्छा इंसान क्या है आपके हिसाब से कौन है एक अच्छा इंसान क्या क्वालिटीज़ है कोई आइडियल ऐसे है जिससे जिसकी तरह लोग बन सकते हैं कि हर सिचुएशन में हर इंसान के लिए वो अलग डेफिनेशन रहता है डेफिनेशन uh, अलग अलग है डेफिनेशन कभी भी एक ही आदमी की सबको नहीं, नहीं, नहीं दी जा सकती क्वालिटीज़ डिफरेंट होती हैं डेफिनेशन डिफरेंस होती है अकॉर्डिंग टू टाइम और सिचुएशन डेफिनेशंस बदल जाती हैं hmm. इंसान अच्छा बनो ये लाइन बहुत सिंपल है बट इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं इंसान अच्छा बनने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं बट सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है अच्छे इंसान बनने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके विचार अच्छे होने चाहिए hmm. आपके थॉट्स अच्छे होने चाहिए जैसा हमने कहा ना इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए कर्म का हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा लेकिन आपका विचार ये हो जब मुझे किसी को कुछ देना है ये वाली जो सोच आ जाती है तब कहीं ना कहीं आप इस रास्ते पर चलने लग जाते हो जब आप किसी का पेन फील करने लगते हो आपको लगता है कि नहीं ये जो दर्द है इसका किसी भी चीज़ को लेकर के ये अगर मेरे ऊपर आया तो तो फिर आप एक अच्छे इंसान बन जाते हो क्योंकि अब आप उसको फील करने लगे हो आप दूसरे के प्रति सोचने लगे हो मुझे लगता है कि जब आप दूसरों के लिए सोचते हो दूसरों के लिए करते हो तब आप एक अच्छे इंसान की कैटेगरी में आने लग जाते हो अदरवाइज मैं मैं मेरा ये करना जो होता है ये लक्षण हमेशा माना जाता है दैत्यों का मतलब हमारे जो देवता और दैत्यों वाली जो कैटेगरी होती है उसमें जो लक्षण है सिर्फ मेरे लिए वो दैत्यों की है पर जब देने वाली भावना आती है तो उसको कहती है तो देवता जैसा है, है। मतलब इंसान भी देवता जैसा माना जाता है कि भाई इसने उसकी मदद की उसकी हेल्प करी और ये ह्यूमन नेचर बनाया जाता है ये बन के नहीं आता है बहुत सारे लोग कहेंगे ना भाई मैं तो ऐसा ही हूँ मैं नहीं सोचता किसी के बारे में मैं तो अपने बारे में सोचता हूँ नहीं हम हर चीज़ को पॉलिश करते हैं ह्यूमन नेचर भी पॉलिश होता है चीज़ें सीखनी पड़ती है स्विमिंग आ नहीं जाती सीखनी पड़ती है।, है।, है अच्छा इंसान बन नहीं जाते, अच्छा इंसान बनना सीखना पड़ता है आप कुछ अपने पेरेंट्स से सीखते हैं कुछ आप अपने टीचर्स से सीखते हैं कुछ आप अपने गुरु से सीखते हैं जब इन सब चीज़ों का आप पर आशीर्वाद होता है लेसन्स सिखाए जाते तब आप इन सब का जो मिलन बनता है जो मिक्सचर सब का होता है वो एक अच्छे इंसान की डेफिनेशन हो सकती है आपने अभी एक वर्ड कहा जिसपे अगेन बहुत सारी चर्चा होती है जो है कलयुग हम कलयुग में हैं कलयुग में ये हो रहा है वो हो रहा है ये होने वाला है आपके हिसाब से कलयुग क्या है जो हम अभी जी रहे हैं उसके उसके बारे में चार युग है हमारे शास्त्रों में सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग और चारों युग के अलग अलग सिंबल हैं कुछ अच्छाइयां हैं कुछ बुराइयां हैं बट जब चारों युग को कंपेयर किया जाता है तो उसमें जो ये जो लास्ट वाला कलयुग है इसको माना जाता है कि ये थोड़ा बुराइयों वाला युग है फॉर एन एग्जाम्पल कि यहाँ थोड़ा लोग छूट में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे सच बोलने की बजाय यहाँ लोग अपना स्वार्थ ज़्यादा सोचेंगे दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे इसलिए इसको थोड़ा सा इस नज़र से भी देखा जाता है भाई ये तो कलयुग है यहाँ तो चलता है यहाँ तो ऐसा होता है बट देखो दो चीज़ें हैं युग का अपना एक लक्षण होता है सिम्टम होता है वो होगा क्योंकि वो टाइम है उस टाइम को कोई चेंज नहीं कर सकता बट क्या ये कलयुग चल रहा है इसलिए मुझे इस बात की फ्रीडम मिल जाती है कि मैं कुछ भी बुरा करूँ कलयुग के नाम पे कलयुग के नाम पे कि भाई यहाँ तो होता है यहाँ तो चलता है ये तो युग ही ऐसा है नहीं मुझे भगवान ने बुद्धि दी है मुझे भगवान ने बुद्धि में विवेक दिया है मुझे कॉन्शियस uh, माइंड दिया है टू चूज़ राइट एंड रॉन्ग तो वो चूज़ करने की जो जो फ्रीडम है ना वो भी भगवान ने हम हमको दे दी है मतलब भगवान कभी भी आपने नहीं देखा कोई आदमी गलत कर रहा हो तो भगवान प्रकट हो गए कहीं नहीं तू गलत कर रहा है या कोई सही कर रहा है तो भगवान आ गए और आके कहा हाँ वाह 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 क्या कितनी अच्छी चीज़ कर नहीं भगवान चुपचाप साइलेंट मोड पर सब देखते हैं वो कुछ नहीं करते और फिर जब रिजल्ट की बारी आती है तो व्यक्ति आदमी अपने ही कर्मों का भुगतान करता है उसमें तीसरे का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है इवन भगवान का भी नहीं है भगवान भी आपकी लाइफ में कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगे जस्ट रिजल्ट के लिए वो हमेशा वहाँ बैठे हैं और एट एनी कॉस्ट रिजल्ट तो घूम के आना ही है एक बहुत लाइट सी स्टोरी है क्योंकि डीप कॉन्वर्जेशन चलिए थोड़ा बहुत चाहिए एक आ, एक होटल मतलब एक रेस्टोरेंट है तो उसमें एक आदमी गया वहाँ बाहर बोर्ड पे लिखा था कि जो भी आप खाओगे यहाँ पर तो उसका बिल आपको नहीं पे करना पड़ेगा आपके आगे आने वाली जो जनरेशन मतलब आपके जो पोते होंगे उनको देना पड़ेगा तो एक आदमी जो तो चाहिए तो बड़ी अच्छी चीज़ है उसने खूब अच्छा जम के खाया खूब मज़े लिए एंड देन जैसे वो उठा तो वेटर आ गया बिल ले करके ये लीजिए तो उसने कहा कि आपने तो बोर्ड पे बाहर लिखा है कि यहाँ आपके पोते बिल चुकाएंगे तो वेटर ने हंस के कहा कि सर ये आपका बिल नहीं ये आपके दादाजी का बिल है <laughs> तो अब मैं इसको कई बार सुनाती हूँ और इस इससे क्या सीख मिलती है बात ये है बहुत सीरियस गंभीर और बात ये है कि एट एनी कॉस्ट जो भी आप ऑर्डर कर रहे हो पे आपको ही करना पड़ेगा <laughs> आप कितना भी बचने की कोशिश कर लो यू हैव टू पे फॉर एवरी जो भी आपने ऑर्डर किया है जीवन में लाइफ में तो ये बचना की कलयुग चल रहा है इसलिए हम कुछ भी गलत कर सकते बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ है अगर बुरा करने वाले बुरा करने में पूरी जी जान लगा रहे तो अच्छा करने वालों को अच्छा करने में अपना पूरा जी जान लगा देना चाहिए उससे कितना बदलाव आएगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अक्सर लोग यही कहते हुए नजर आते मेरे अकेले के करने से क्या क्या ही हो जाएगा बट बहुत कुछ हो जाएगा क्योंकि यहाँ मैं करूँ तो ही क्या तो ही ये करते करते कोई भी नहीं करता बचपन में एक कहानी सुनाते थे कि एक गांव था उसका एक स्कूल था स्कूल में एक फीस था तो कहा गया बच्चों को कि खीर बनानी है घर से सब लोग दूध लेके आना सब घर गए एक बच्चे ने सोचा कि सारे गांव के बच्चे दूध ले आ रहे हैं तो अकेला अगर एक गिलास में पानी ले जाएगा चुपचाप डाल देगा तो किसी को नहीं पता लगेगा तो पानी ले के आया उसने डाल दिया सब लाते गए डालते गए लाइन जब ख़त्म हुई और उस बर्तन को खोला गया तो देखा कि पूरा बर्तन भरा था पर दूध से नहीं पानी से क्योंकि सब ने यही सोचा कि सब तो ला रहे हैं मेरे अकेले के करने से क्या हो जाएगा और यहीं सोसाइटी में चीज़ें बिगड़ती हैं जब आप खुद अपने ऊपर नहीं नहीं लेते कि नहीं, मुझे अच्छाई करनी है चाहे उसका मुझे जीरो रिस्पॉन्स मिले मिलता नहीं है क्योंकि अच्छाई का रिस्पॉन्स हमेशा अच्छा होता है hmm. भले आज आपको लग रहा है जीरो है बट एक टाइम आकर के आपको उसका हंड्रेड परसेंट मिलेगा तो आप अच्छाई से चलो कोई बुरा करता है तो वो उसके अपने कर्म है उसके अपने प्रारब्ध है वो स्वयं भुगतेगा और अगर हम कर रहे हैं तो हमारी अच्छाई कोई देखे ना देखे वो देख रहा अपने कर्मों पर स्वयं भरोसा रखो और एक बहुत अच्छी लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी कि जब भी कोई तुमसे कहे कि तुमको तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा तो वो तुमको दुआ लगे बदुआ नहीं ऐसे कर्म करो कहते हैं ना जो कर रहे हो वही फल मिलेगा तो वो इतना अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि हाँ मैंने कुछ गलत नहीं किया अगर कर्मों का फल मिले तो मिले मैं तो खुश हूँ क्योंकि मैंने अच्छा किया है तो युग मुझे लगता है कुछ और नहीं होता युग यहाँ होता है हमारी सोच में होता है अगर आप सोच बदल लेंगे तो आपके लिए समय अपने आप बदल जाए जो कहानी आपने कही बहुत ही रिलेटेबल थी कि मैं अपना ग्लास देखूँगा बाकियों को खुद का देखूँ <laughs> हम लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं और इतने सारी बातें की जैसे आपने कहा काफ़ी डीप कॉन्वर्जेशन रहा है तो हम इसी नोट पे एंड करेंगे कि जो आपने कहा अभी कि रिज़ल्ट तो तय है वो होगा ही होगा तो हम अभी अपने लाइफ को कैसे बदल सकते हैं टू लिव बेटर जो धर्मा के कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए कर्मा के कॉन्प्ट्स डिस्कस किए जो स्ट्रेस के बारे में हमने कहा स्पिरिचुअलिटी के बारे में कहा भक्ति के बारे में हमने डिस्कस किया ये सब चीज़ों को हम कैसे अपने लाइफ में डाल सकते हैं और प्रैक्टिकली अप्लाई करके एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं रिजल्ट तय नहीं है रिजल्ट कंफर्म नहीं है रिजल्ट को कभी भी किसी भी मोड पर आदमी चेंज कर, कर सकता है, है अपनी हैबिट्स चेंज करके अपनी हैबिट्स अपना नेचर चेंज करेंगे तो रिजल्ट अपने आप चेंज हो जाएगा वहाँ भगवान ने इस चीज़ की हमें फ्रीडम दे रखी है जैसे बहुत सारे लोग कहेंगे कि मेरा भाग्य खराब है मेरा लक खराब है लक मतलब किसने बनाया होता क्या है लक कोई और आकर के आपको कोई आ, लिख करके नहीं देता है वो आपका खुद का बनाया हुआ अपना जीवन है तो अगर आज भी अगर आप चाहते हैं कि ठीक है जो हुआ हुआ अब मुझे आगे अपनी लाइफ को एक अच्छे मोड पर एक अच्छे पाथ पर लेकर के जाना है तो अभी से आज से इसी क्षण से अपनी आदतों को बदलिए आदत मतलब अपनी हैबिट्स जैसे कि हमारा धर्म कहता है हर चीज में अध्यात्म है खाने में भी अध्यात्म है सोने में भी अध्यात्म है आप जो पहन रहे हो उसमें भी स्पिरिचुअलिटी है आप क्या पहनते हो क्या खाते हो क्या बोलते हो शब्द हर चीज में तो जिस चीज से किसी को नुकसान ना हो हाम ना हो पहले तो वैसा करना शुरू करिए समाज को सोसाइटी को तो अगर इस बात पर चलना चाहते हैं तो खाना सही करिए अपने विचारों को थोड़ा थोड़ा सही करिए अगर आप एक साथ नहीं टर्न कर सकते बट धीरे धीरे परसेंटेज वाइज आप शुरू करिए थर्ड एसोसिएशन चेंज करिए अगर आपको कहीं लगता है कि आपका चीज़ें बदल नहीं रही हैं चीज़ें वैसी की वैसी हैं आप गलत रास्ते पर जा रहे हो तो कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि आपकी जो कंपनी है आपका जो एसोसिएशन है वो गलत है दोस्त गलत हो सकते हैं रिलेट जो रिलेटिव्स होते हैं जिनमें बहुत सारी नेगेटिविटी होती है उनसे दूर रहिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्योंकि मैं भक्ति से जुड़ी हूँ भगवान से जुड़ी हूँ अगर चाहते हैं कि जीवन आनंद में रहे सुख में रहे तो भक्ति शुरू ज़रूर करिए hmm. भक्ति के बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा माला जाप करिए आपको भगवान का नाम सुनने में अच्छा लगता है वो सुनिए पर धर्म से जुड़िए क्योंकि आ, आज के टाइम में इमोशंस कैन बी हैंडल्ड ओनली बाई डिवोशन और इमोशंस ही हैं जो आदमी को परेशान कर रहे हैं तो इमोशन के लिए आपको डिवोशन होना बहुत ज़रूरी है थोड़ा भगवान पे भरोसा करना सीखिए मैं मैं करते रहोगे तो कभी सुख नहीं मिलेगा जब उसको याद रखोगे तो अपने आप आपको कृष्ण का एक नाम है आनंद मतलब लाइफ में जीवन में जब कृष्ण आएंगे तो अपने आप आपके आनंद आएगा Hmm. सुख नहीं सुख तो टेम्पररी होता है बट आनंद जो होता है वो पर्मानेंट होता है तो भक्ति करिए भजन करिए और समाज को कुछ देने की कोशिश करिए अपने आप आप खुश अच्छा हैप्पी ये अपने आप महसूस करेंगे थैंक यू थैंक यू देवी जी आई थिंक बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस था जो लोग शुरुआत तो कर सकते हैं फर्स्ट स्टेप ले सकते हैं और uh, बहुत सारे चीज़ें सीखने को मिली आई होप लोगों को क्लैरिटी मिली जो कॉन्सेप्ट्स uh, लोग इंस्टाग्राम पे देखते हैं या कंफ्यूजन है उनके बारे में उन्हें थोड़ी क्लैरिटी मिल गई हो थैंक um, यू आपने ये टाइम निकाला हमारे लिए एंड वी होप कि ये एपिसोड लोगों को रियलाइन करने में हेल्प करे। थैंक यू थैंक यू मुझे भी आपने इनवाइट किया बुलाया एंड सेम थिंग मुझे भी यही होप है यही आशा है कि लोग कुछ सीखें इवन वन परसेंट भी अगर हम uh, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे तो ये जो हमारी कॉन्वर्जेसन है ये uh, इसका पॉजिटिव जो और है पॉजिटिव जो बातें हैं वो लोगों के जीवन में इम्पेक्ट करेंगी और कुछ ना कुछ चेंज लाएंगे सो थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी थैंक यू Hare Krishna. Hare Krishna. We hope this episode added value to your lives. Join the realign movement. Like, share, and subscribe to our channel, and we'll see you in the next one.